हाँ जी, सीए फाइनल के सभी स्टूडेंट्स जो इंतजार कर रहे थे ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की रिवीजन क्लास का, लो जी तुमने पुकारा और हम चले आए। आ जाओ जी, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ये दुखती रग है सभी के सभी स्टूडेंट्स की। सीए फाइनल एसपीओएम का जो एग्जाम दे रहे हैं दुखती रग है। अगेन इसे शुरू कराने से पहले जो मुझसे पड़े हुए हैं, जब आप आईबीएस का एग्जाम देने जाओगे तो कसम खा लो कि डिटेल्ड वाली क्लास ही देख के जाना है, डिटेल्ड वाली क्लास ही देख के जाना है, उसके बिना नहीं जाना। ये क्लास ठीक है, आपको एसपीओएम में पास करा देगी, बट पहले डिटेल्ड वाली क्लास देखना, फिर ये रिवीजन क्लास देखना जब आईबीएस का एग्जाम देने जाओगे, क्योंकि आईबीएस का लेवल बहुत ऊपर है भाई। मैं बता नहीं सकता, मैं देख रहा हूं जो क्वेश्चन पेपर, जो सैंपल पेपर बना रहे हैं लोग, भारतवर्ष के 200 टीचर आईबीएस ने इकट्ठे किए हैं, 200 मतलब रिसर्च एनालिस्ट आई वुड से, वो अपना दिमाग लगा लगा के कॉन्सेप्ट बना रहे हैं। और मैं जो भी कॉन्सेप्ट देख रहा हूं, हर मुझे दूसरे क्वेश्चन के अंदर जो चीजें नजर आ रही हैं आईबीएस के लिए बता रहा हूं, सेबी एलओडीआर, सेबी आईसीडीआर, आपका फेमा, फेमा तो ऐसे फ्री फंड में डालो पूछो मत, ओडीआई बहुत जबरदस्त क्वेश्चन आने वाले हैं उस पे, ओडीआई पे। अच्छा, फिर जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, डायरेक्टर्स तो है ही है, वाइंडिंग अप, इन चैप्टर्स पे खूब भरमार दिख रही है मुझे जो उनके क्वेश्चंस में देख रहा हूँ, जो मैं पढ़ रहा हूँ। तो प्लीज 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 अपनी तैयारी एसपीओएम के लिए अलग रखना। आईबीएस के लिए मैंने ऑलरेडी अनाउंस किया, मैं एक स्पेशल 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 बैच ला रहा हूँ नवंबर के लिए, बस 2 महीने की वैलिडिटी का होगा ये बैच, और मैं जल्द ही लॉन्च करने वाला हूँ, बस ये रिजल्ट आते ही मैं लॉन्च कर दूंगा। तो इसलिए आईबीएस की तैयारी अलग रखनी है तुमने, ठीक है। चले तो अब हम बात करने वाले हैं ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की। अच्छा, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सा, ये हम देखो यहां पर ना मेरे सिलेबस में रूल्स भी हैं प्लस रेगुलेशंस भी हैं, एसपीओएम हो या आईबीएस हो, रूल्स भी हैं और रेगुलेशंस भी हैं। अच्छा, सारे ओडीआई का जन्म देने जन्मदाता कौन है, सेक्शन 6, वो कैसे, सेक्शन 6 सबसेक्शन 2 एंड सेक्शन 6 सबसेक्शन 2A के अंदर आपने एक चीज पढ़ी थी, वो चीज क्या थी, सेक्शन 6 सबसेक्शन 2 के अंदर हमने पढ़ा था कि आरबीआई इन कंसल्टेशन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ बना सकता है, कुछ रूल्स वगैरह बना सकता है। अच्छा, आरबीआई बना रहा है, हाँ, तो वो रूल्स नहीं कहते, उसे कहते रेगुलेशंस। तो यानी कि सेंट्रल आरबीआई इन कंसल्टेशन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ रेगुलेशंस बनाएगा, और वो डेट इंस्ट्रूमेंट के ऊपर भी हो सकती हैं। सिमिलरली सेक्शन 6 सबसेक्शन 2A में कहा गया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कुछ गाइडलाइंस बना सकती है। अब जब गवर्नमेंट गाइडलाइंस बनाएगी तो उन गाइडलाइंस को अपन लोग कहते हैं रूल्स। तो यानी कि गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस बनाई, परंतु डेट इंस्ट्रूमेंट के ऊपर गवर्नमेंट गाइडलाइंस नहीं बनाएगी, तो गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई गाइडलाइंस को अपन लोग क्या नाम देते हैं, रूल्स नाम देते हैं। तो अब हमारे सिलेबस के अंदर ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में रूल्स भी हैं योप, रेगुलेशंस भी हैं योप, ठीक है जी। तो रूल्स भी करने हैं, रेगुलेशंस भी करने हैं। रूल्स सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाए, रेगुलेशंस आरबीआई ने बनाए, इतनी बात क्लियर हो गई। चलो जी आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो देखो जी, हमारे सिलेबस में ओवरसीज इन्वेस्टमेंट रूल्स भी हैं, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट रेगुलेशंस भी हैं। सबसे पहली बात जो हमें समझनी चाहिए वो क्या, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है। आज के बाद मैं इसे ओआई कह सकता हूं। ओवरसीज इन्वेस्टमेंट में 2 चीजें आती हैं, एफसी प्लस ओपीआई, हैं जी। हाँ जी, ओपीआई मतलब ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, और एफसी मतलब फाइनेंशियल कमिटमेंट। अब ये सर ऐसे लग रहा है जैसे केमिस्ट्री के फॉर्मूले समझा रहे हो, चिंता ना करो, चिंता ना करो। पहली चीज क्या आई, फाइनेंशियल कमिटमेंट। आइए, फाइनेंशियल कमिटमेंट क्या होता है, ये रहा फाइनेंशियल कमिटमेंट। कहता है जी, फाइनेंशियल कमिटमेंट का मतलब होता है मींस द इन्वेस्टमेंट मेड बाय द पीआरआई, पीआरआई बाय द वे ऑफ ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। लो जी, एक गड्ढे में गिरे थे, दूसरे में गिरा दिया। वो कहता है जी, जब पीआरआई इन्वेस्टमेंट करता है ओडीआई के अंतर्गत, अच्छा, तो उसे फाइनेंशियल कमिटमेंट कहता है। ओडीआई क्या क्या होता है पता नहीं। फिर डेट अदर देन ओपीआई, ओके, वो वाला डेट ओपीआई को छोड़ देना, ओपीआई के अलावा जो डेट है वो क्या है, वो फाइनेंशियल कमिटमेंट में आएगा, ओके। तीसरा, नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी टू और ऑन बिहाफ ऑफ द फॉरेन एंटिटी। ये फॉरेन एंटिटी क्या है, ये फॉरेन एंटिटी, चलो देखते हैं। नॉन फंड बेस्ड लिमिट का एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल बैंक गारंटीज वगैरह देते हैं, कॉर्पोरेट गारंटीज वगैरह अगर आप देते हैं, तो फाइनेंशियल कमिटमेंट में क्या क्या आता है। अगर कोई पीआरआई ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करता है, विदेशों में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करता है, क्या मतलब पता नहीं। दूसरा, अगर डेट में इन्वेस्ट करता है अदर देन द ओपीआई, ओपीआई के अलावा, ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के अलावा अगर डेट में इन्वेस्ट करता है, और तीसरा, नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी अगर मान लीजिए फॉरेन एंटिटी के लिए अवेलेबल कराता है। अब यह फॉरेन एंटिटी क्या है, देखिएगा, फॉरेन एंटिटी हमने कहा जी, फॉरेन एंटिटी का मतलब है वो एंटिटी जो फॉर्मड हुई है या रजिस्टर्ड हुई है या इनकॉर्पोरेट हुई है आउटसाइड इंडिया, इंक्लूडिंग आईएफएससी विद अ लिमिटेड लायबिलिटी। यानी कि अगर आपने भारत के आईएफएससी, गांधीनगर गुजरात के अंदर कोई लिमिटेड लायबिलिटी के साथ
कंपनी इनकॉर्पोरेट की है तो वो भी क्या कहलाएगी, ओवरसीज एंटिटी कहलाएगी, लिमिटेड लाइबिलिटी ध्यान रखना। फिर ये कहता है हैंग ऑन लिमिटेड लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा, यानी कि अगर आप पार्टनरशिप फर्म भी आईएफएससी में ओपन करते हैं या कोई भी और संस्था आईएफएससी में ओपन करते हैं तो भी उसे फॉरेन एंटिटी कहूंगा अगर वो कोर सेक्टर में लगी हुई है, स्ट्रेटेजिक सेक्टर में। अब स्ट्रेटेजिक सेक्टर क्या होता है, स्ट्रेटेजिक सेक्टर का मतलब होता है ऑयल नेचुरल गैसेस, यहां पर यानी कि अगर वो संस्था इन जगहों पर लगी हुई है स्ट्रेटेजिक सेक्टर के अंदर, पढ़िएगा स्ट्रेटेजिक सेक्टर डेफिनेशन नंबर 8, इट इंक्लूड एनर्जी एंड द नेचुरल रिसोर्सेज एंड स्टार्टअप्स। तो अगर कोई संस्था इन जगहों पर लगी हुई है नेचुरल गैसेस वगैरह में, तो फिर चाहे वो लिमिटेड लाइबिलिटी के साथ ना भी हो परंतु अगर वो आईएफएससी के अंदर है तो मैं उसे फॉरेन एंटिटी मान लूंगा। अदरवाइज अगर कोर्स अगर ये स्ट्रेटेजिक सेक्टर में नहीं है तो फिर आईएफएससी में मैं फॉरेन एंटिटी केवल तब मानूंगा जब वो लिमिटेड लाइबिलिटी के साथ है। ठीक हो गई इतनी बात। अदरवाइज विदेशों में इनकॉर्पोरेटेड हर संस्था को मैं फॉरेन एंटिटी मान रहा हूं। लो जी, तो मैंने कहा जी फॉरेन एंटिटी की डेफिनेशन हमने देखी, फाइनेंशियल कमिटमेंट की डेफिनेशन तो देख ली, मगर ना मुझे ओडीआई का मतलब पता लगा, ना डेट अदर देन ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का मतलब पता लगा, नॉन फंड का मतलब थोड़ा बहुत पता है। तो चलो जी, अब डेफिनेशन को समझने के लिए मुझे ओडीआई का मतलब समझना पड़ेगा। पहले ओडीआई क्या होता है, ओडीआई किसके डेफिनेशन का पार्ट है, फाइनेंशियल कमिटमेंट की डेफिनेशन का पार्ट है। फाइनेंशियल कमिटमेंट किसकी डेफिनेशन का पार्ट है, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन का पार्ट है। ओवरसीज इन्वेस्टमेंट में फाइनेंशियल कमिटमेंट के अलावा और क्या आता है, ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आती है। ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट अभी हमने की नहीं है, हम कर रहे हैं ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो कि फाइनेंशियल कमिटमेंट का पार्ट है, फाइनेंशियल कमिटमेंट ओवरसीज इन्वेस्टमेंट का पार्ट है। ठीक है, चलिए तो ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होती है, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में आता है इन्वेस्टमेंट बाय द वे ऑफ एक्विजिशन ऑफ अनलिस्टेड इक्विटी कैपिटल ऑफ द फॉरेन एंटिटी। जब आप किसी फॉरेन एंटिटी के जो कि अनलिस्टेड है उसकी इक्विटी कैपिटल एक्वायर करते हैं तो ये ओडीआई है। दूसरा, जब आप मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ फॉरेन एंटिटी को सब्सक्राइब करते हैं तो ये भी ओडीआई है। तीसरा, जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं 10% और मोर ऑफ द पेड अप कैपिटल ऑफ द लिस्टेड फॉरेन एंटिटी तो ये भी ओडीआई है। जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं विद द कंट्रोल वेयर द इन्वेस्टमेंट इज लेस देन 10% ऑफ द पेड अप कैपिटल ऑफ द लिस्टेड फॉरेन एंटिटी तो ये भी ओडीआई है। अब आंखें बंद करके एक बार ओडीआई को रिकॉल कीजिए, ओडीआई में क्या क्या आता है। जब आप अनलिस्टेड फॉरेन एंटिटी के इक्विटी शेयर्स एक्वायर करते हैं तो ये ओडीआई है। दूसरा, जब आप किसी फॉरेन एंटिटी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को सब्सक्राइब करते हैं तो ये भी ओडीआई है। तीसरा, जब आप किसी लिस्टेड फॉरेन एंटिटी के अंदर 10% या 10% से ज्यादा पेड अप कैपिटल उसकी एक्वायर करते हैं तो ये भी ओडीआई है। फोर्थ, जब आप किसी लिस्टेड फॉरेन एंटिटी में 10% से कम की पेड अप कैपिटल एक्वायर करते हैं मगर आप साथ में प्लस कंट्रोल भी एक्सरसाइज कर लेते हैं 10% से कम में भी तो ये भी ओडीआई है। तो ये चार चीजें ओडीआई हैं। फिर आगे कहता है रुको, हैंग ऑन कहता है अगर मान लीजिए पीआरआई इन्वेस्टमेंट कर रहा है फॉरेन एंटिटी में और अगर वो ओडीआई क्लासिफाई हो गई, एक बार अगर ओडीआई क्लासिफाई हो गई देन सच इन्वेस्टमेंट शैल कंटिन्यू टू बी ट्रीटेड एज ओडीआई इवन इफ द इन्वेस्टमेंट फॉल टू बिलो 10% और सच पर्सन हैज लूजेस द कंट्रोल। यानी कि मान लीजिए अगर आप यहां पे फॉल हो रहे थे 10% और मोर ऑफ द पेड अप कैपिटल, कंट्रोल नहीं था, अब आपकी जो पेड अप कैपिटल है वो 10% से नीचे आपका शेयर चला गया, पहले तो 10% से ऊपर था, तो आप ओडीआई अब भी कहलाओगे, एक बार ओडीआई बार बार ओडीआई। फिर मान लीजिए यहां पे आप फॉल करते थे 10% से कम पे थे मगर आपका कंट्रोल भी था, अब कंट्रोल नहीं रहा कोई दिक्कत नहीं, पहले ओडीआई थी अब भी ओडीआई रहेगी। ठीक है, तो वंस अ ओडीआई ऑलवेज अ ओडीआई। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। तो ये ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुआ। अगेन मेरे साथ रिकॉल करो, जैसे ही आपने ओडीआई पढ़ा कौन सी डेफिनेशन समझी, फाइनेंशियल कमिटमेंट। फाइनेंशियल कमिटमेंट किसका पार्ट है, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट। ओवरसीज इन्वेस्टमेंट में फाइनेंशियल कमिटमेंट के अलावा क्या आया, ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। आइए ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट पे आते हैं। ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, हाँ जी, इसमें क्या क्या आता है, इसका मतलब है अदर देन ओडीआई इन द फॉरेन सिक्योरिटीज, यानी कि ओडीआई को छोड़कर बाकी जो भी बचा वो ओपीआई है। जो ODI के डेफिनेशन में नहीं आ रहा वो OPI है। अच्छा, कोई एग्जांपल दीजिए, एग्जांपल देता हूं, 10% से कम है, लिस्टेड फॉरेन एंटिटी है, कंट्रोल नहीं है, ये OPI हो गया। क्लियर हो गया ना, तो जो ODI नहीं है वो OPI है। आगे फिर कहता है इसमें एक्सक्लूड किया जाएगा, अच्छा किसको, अनलिस्टेड डेट इंस्ट्रूमेंट को या फिर सिक्योरिटी इश्यूड बाय द PRI जो कि IFSC में नहीं है। धीरे धीरे करके समझिए, पहला इसमें एक्सक्लूड किया जाएगा, यानी कि OPI नहीं है क्या, कोई अनलिस्टेड डेट इंस्ट्रूमेंट, यानी कि क्या मैं कह सकता हूं कि अगर लिस्टेड डेट इंस्ट्रूमेंट है
लिस्टेड डेट इंस्ट्रूमेंट हैं तो वो ओपीआई हैं, हाँ, मगर अनलिस्टेड डेट इंस्ट्रूमेंट जो है वो ओपीआई नहीं है। तो अनलिस्टेड डेट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हो तो वो क्या है, वो ओडीआई है। वो कैसे पता लगा, जरा ओडीआई की जरा आइएगा, सॉरी वो फाइनेंशियल कमिटमेंट है, फाइनेंशियल कमिटमेंट की डेफिनेशन भी आइएगा। फाइनेंशियल कमिटमेंट की डेफिनेशन कहती है कि डेट अदर देन द ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, डेट अदर देन द ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, यानी कि ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट वाले जो डेट है उन्हें छोड़ दो। और ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में कौन से डेट आते हैं, अनलिस्टेड डेट। तो अनलिस्टेड डेट जो है वो उसमें नहीं आते हैं, सॉरी अनलिस्टेड डेट ओपीआई का पार्ट नहीं है। अगर अनलिस्टेड डेट ओपीआई का पार्ट नहीं है तो वो किसका पार्ट है, वो फाइनेंशियल कमिटमेंट का पार्ट है। और लिस्टेड डेट इसका मतलब किसका पार्ट है, अगर मैं लिस्टेड डेट की बात करूं तो ओपीआई का पार्ट है। तो दोबारा बोलते हैं, अगर डेट लिस्टेड है तो ओपीआई, डेट अनलिस्टेड है तो अदर देन ओपीआई सारे डेट किस में आ गए, ये फाइनेंशियल कमिटमेंट में आ गए। ठीक हो गई इतनी बात भी, बढ़ सकते हैं आगे। चले जी, तो ये हमने कहा ओपीआई में क्या क्या आता है। तो मैंने कहा जी पहली बात ओडीआई को छोड़ दो, बाकी सारी चीजें ओपीआई में आएंगी। फिर अनलिस्टेड डेट इंस्ट्रूमेंट इसका पार्ट नहीं होंगे ओपीआई का। तीसरी बात कहता है जी, अगर कोई सिक्योरिटी इशू करता है पीआरआई, पीआरआई सिक्योरिटी इशू कर रहा है, अच्छा पीआरआई नॉट इन आईएफएससी, आईएफएससी के अलावा पीआरआई अगर कहीं भी सिक्योरिटी इशू करेगा और आप उन सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये ओपीआई नहीं है। दोबारा बोल दूं, ये ओपीआई नहीं है, क्योंकि सिक्योरिटी किसने इशू की है, पीआरआई ने इशू की है, आईएफएससी के अलावा। अच्छा, तो इसका मतलब क्या मैं कह सकता हूं कि अगर पीआरआई आईएफएससी में सिक्योरिटी इशू करता है और आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो वो ओपीआई का पार्ट है, हाँ वो ओपीआई का पार्ट होगा, वो ओपीआई का पार्ट होगा। ठीक हो गई इतनी बात भी। चलिए, अब एक वर्ड आया कंट्रोल। कंट्रोल का मतलब क्या होता है, देखिएगा कंट्रोल का मतलब क्या है। मैंने कहा जी कंट्रोल में दो चीजें आती हैं, पहला अगर आपके पास मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने का अधिकार है तो इसका मतलब आपके पास कंट्रोल है, या फिर अगर आपके पास कंट्रोल है ओवर द मैनेजमेंट या फिर पॉलिसीज, किसी फॉरेन एंटिटी की मैनेजमेंट या पॉलिसीज पे आपका कंट्रोल है। वो कैसे कंट्रोल है, बाय द रीजन ऑफ शेयर होल्डिंग के कारण, वोटिंग एग्रीमेंट के कारण, या फिर आपके मैनेजमेंट राइट के कारण आप उसकी मैनेजमेंट या फिर पॉलिसी डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो, डिसीजन ले सकते हो, ये इन एग्रीमेंट होने के कारण, एंड आपके पास कम से कम 10% ऑफ द वोटिंग राइट है तो भी इसका मतलब आपके पास कंट्रोल है, तो भी इसके पास इसका मतलब है आपके पास कंट्रोल है उस फॉरेन एंटिटी का। ठीक है जी, फिर हम पढ़ते हैं इंडियन एंटिटी क्या होता है। इंडियन एंटिटी का मतलब है कंपनी, बॉडी कॉर्पोरेट, एलएलपी, पार्टनरशिप फर्म। ओके, आगे स्ट्रेटेजिक सेक्टर पढ़ लिया, अब हम रूल्स पे आते हैं। सबसे पहला रूल हमारे पास है रूल नंबर 4। ये कहता है जी नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ द रूल एंड रेगुलेशन रिलेटिंग टू इन सर्टेन केसेस, मतलब ये जितने भी ओवरसीज इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड रूल्स आप पढ़ रहे हो ये एप्लीकेबल कब नहीं होंगे। पहला, अगर मान लीजिए कोई भी इन्वेस्टमेंट की जाती है आउटसाइड इंडिया by a financial institution in an IFSC. अच्छा, यानी कि हमारा कोई financial institution IFSC क्योंकि outside India considered किया जाता है, IFSC में investment करता है तो उसके ऊपर overseas investment से related rules नहीं लगेंगे, उसके ऊपर से RBI की guidelines वगैरह अलग बनी हुई है वो लगेंगी। अच्छा, पहली बात। दूसरी बात, कहाँ नहीं लगेंगे, acquisition or transfer of any investment outside India made out of the resident foreign currency account. RFC अकाउंट से कुछ भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ओवरसीज इन्वेस्टमेंट नहीं लगेगा, या फिर फॉरेन करेंसी हेल्ड आउटसाइड इंडिया बाय अ पर्सन रेजिडेंट बट नॉट परमानेंटली रेजिडेंट। याद होगा ये व्यक्ति फेमा के अंदर पड़ा था, रेजिडेंट बट नॉट परमानेंटली रेजिडेंट, जो कि डेपुटेशन पे इंडिया आया है 3 साल तक या फिर स्पेशल प्रोजेक्ट वगैरह के लिए आया है। ठीक है, अगर कोई वो मान लीजिए अपनी जो फॉरेन करेंसी आउटसाइड इंडिया वो हेल्ड करता है उसमें से इन्वेस्टमेंट कर रहा है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। या फिर याद करो आपने सेक्शन 6 सबसेक्शन 4 के अंदर पढ़ा होगा कि अगर पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया को इनहेरिटेंस वगैरह के थ्रू कुछ मिलता है तो फिर उसमें से अगर वो इन्वेस्टमेंट करता है आउटसाइड इंडिया तो उन पे भी ओवरसीज इन्वेस्टमेंट नहीं रूल्स नहीं लगेंगे। तो ये रूल कब कब नहीं लगेंगे, पहला आरएफसी अकाउंट, दूसरा पर्सन रेजिडेंट बट नॉट परमानेंटली रेजिडेंट पे, और तीसरा सेक्शन 6 सबसेक्शन 4 में कवर होने वाले पीआरआई के ऊपर ये रूल नहीं लगेंगे। उसके बाद फिर आगे आते हैं, कहता है जी डेट इंस्ट्रूमेंट एंड नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट, कुछ इंस्ट्रूमेंट डेट में है कुछ नॉन डेट है। अच्छा, डेट अगर लिस्टेड है तो ओपीआई, अनलिस्टेड है तो फाइनेंशियल कमिटमेंट, इतना याद है।
आइए वापस, डेट इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या आता है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स आते हैं, क्या क्या आता है, गवर्नमेंट द्वारा इशू किए गए बॉन्ड्स, बॉन्ड्स मतलब डिबेंचर्स, वो आते हैं, फिर कॉर्पोरेट्स के द्वारा इशू किए गए बॉन्ड्स वो आते हैं, फिर सिक्योरिटाइजेशन स्ट्रक्चर की अदर देन इक्विटी ट्रेंचे वो आती है, ट्रेंचे मतलब अमाउंट ट्रांजेक्शन, अच्छा क्या मतलब, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक बैंक है, इस बैंक का एनपीए हो गया, कोई अकाउंट जो है एनपीए हो गया, अब एनपीए अकाउंट होता है तो बैंक या तो खुद रिकवरी करता है या फिर इस एनपीए को बेच देता है, मतलब फॉर एग्जांपल कुछ ऐसा ही है कि मान लीजिए आपकी लैंड पड़ी हुई है, उस लैंड पे कब्जा हो गया, अब या तो जिसने कब्जा किया वो गुंडा है, आप उस गुंडे से खुद भिड़ जाओ, आपके अंदर ताकत है और नहीं ताकत तो फिर उस गुंडे से भी मजबूत किसी व्यक्ति को बेच दो उसे, तो ऐसे ही बैंक करते हैं, अगर या तो उनके अंदर खुद गट्स है तो खुद रिकवर कर लो, नहीं है तो फिर उस जिसने कब्जा किया जो एनपीए है उससे भी मजबूत किसी व्यक्ति को बेच दो, ऐसे मजबूत व्यक्ति होते हैं एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियां, जिनका काम ही ऐसे एनपीए की रिकवरियां करना होता है, ठीक है ना। तो अब होता क्या है, तो बैंकों का एनपीए हुआ, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ने अप्रोच किया कि एनपीए हमें बेच दो, अच्छा लैंड पे कब्जा हो गया, 10 करोड़ की लैंड थी तो उसकी कीमत वैसे ही आधी भी नहीं रह जाएगी, तो 3-4 करोड़ रुपए में आप उसे सस्ते में बेच दोगे कि कहां जहां सारा जा रहा है वहां कुछ तो आए, ठीक है। तो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ने इस एनपीए को टेक ओवर कर लिया, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को एनपीए को देने के लिए पैसे कहां से, बैंक को देने के लिए पैसे कहां से आए, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी पहुंची इन्वेस्टर्स के पास, ये बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं जो कहते हैं रिस्क लेने को तैयार हैं, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को पैसा देते हैं, बदले में एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो है इनको इनसे पैसा लेकर बदले में बैंक को देती है, ठीक है। तो जब ये पैसा देते हैं डेट यानी कि डिबेंचर्स की फॉर्म में पैसा दिया, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ने इन्हें एक्सेप्टेंस दी, डिबेंचर सर्टिफिकेट वगैरह इशू हो गए कि लो जी ये डिबेंचर सर्टिफिकेट आपके हैं, तो ये भी ये जो है ये भी क्या कहलाता है, डेट कहलाता है, दिस इज कॉल्ड ट्रेंच ऑफ सिक्योरिटाइजेशन स्ट्रक्चर, दिस ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड सिक्योरिटाइजेशन स्ट्रक्चर, ठीक है। फिर उसके बाद बोरोइंग बाय द फर्म्स थ्रू द लोन, उसके बाद डिपॉजिटरी रिसिप्टेड थ्रू अंडरलाइंग सिक्योरिटी आर डेट सिक्योरिटी, फॉर एग्जांपल डिपॉजिटरी रिसिप्ट क्या होती है, आपने नाम सुना होगा आईडीआर एडीआर जीडीआर, ये क्या होता है, मान लीजिए कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने इंडिया के अंदर कोई शेयर्स इशू किए, अब इंडिया के अंदर शेयर्स इशू किए गए होंगे तो इंडियन इन्वेस्टर्स वहां पे इन्वेस्ट करेंगे, अब इंडियन इन्वेस्टर जब इन्वेस्ट करेंगे तो क्या शेयर्स में इन्वेस्ट करेंगे स्टैंडर्ड चार्टर्ड के, नहीं, स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने आईडीआर इशू किए हैं तो इंडियन इन्वेस्टर्स किसी अंडरराइटर को जिसे हम कहते हैं डोमेस्टिक डिपॉजिटरी, हम सारा पैसा उसे जमा कराएंगे, इंडियन इन्वेस्टर्स डोमेस्टिक डिपॉजिटरी जो कि इंडिया में होगा, बदले में वो इन्हें रसीद इशू करेगा जिस रसीद को हम आईडीआर कहते हैं, क्या कहते हैं आईडीआर। तो इस तरीके से इंडियन इन्वेस्टर्स स्टैंडर्ड चार्टर्ड के शेयर्स खरीद सकता है, सिमिलरली स्टैंडर्ड चार्टर्ड अगर डिबेंचर्स इशू करता है तो भी यही तरीका होगा कि इंडियन इन्वेस्टर्स पैसा देंगे इंडियन डिपॉजिटरी को और इंडियन डिपॉजिटरी जो है उनको बदले में डिपॉजिटरी रिसिप्ट दे देगा। तो सिमिलरली डिबेंचर इशू करने के बदले में जो डिपॉजिटरी रिसिप्ट इशू होती है डिबेंचर्स के बदले में जो इन्वेस्टर्स को दी जाती है डिपॉजिटरी रिसिप्ट, तो उसे क्या कहते हैं, वो भी डेट का इंस्ट्रूमेंट का पार्ट होती है। फिर हम आते हैं नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट पे, इसमें क्या आता है, जितनी भी इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी आप कर रहे हैं या फिर कैपिटल एलएलपी में लगा रहे हैं या फिर सारी इन्वेस्टमेंट जो कि एफडीआई पॉलिसी के अनुसार हो रही हैं या फिर इन्वेस्टमेंट इन द ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड या फिर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में कोई भी ये आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो सब के सब अदर देन डेट मानी जाएंगी, या फिर इन्वेस्टमेंट इन द म्यूचुअल फंड या फिर एक्सचेंज ट्रेडेबल फंड जो कि मोर देन 50% इन इक्विटी इन्वेस्ट करते हैं, मोर देन 50% इक्विटी में ध्यान रखना। फिर द जूनियर मोस्ट लेयर ऑफ दैट इज इक्विटी ट्रेंच ऑफ द सिक्योरिटाइजेशन स्ट्रक्चर, अभी सिक्योरिटाइजेशन का एग्जांपल दिया था, वहां मैंने कहा आपने इन्वेस्टर से लोन उठाया डिबेंचर्स उठाए, शायद आप इन्वेस्टर से डिबेंचर के बदले में उनसे क्या उठा रहे हो इक्विटी की फॉर्म में पैसा ले रहे हो, तो फिर तो वो अदर देन डेट इंस्ट्रूमेंट में कवर हो जाएगा। फिर एक्विजिशन सेल और डीलिंग डायरेक्टली इन द इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी में डील करते हैं नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट का ध्यान रखना। कंट्रीब्यूशन टू ट्रस्ट, फिर डिपॉजिटरी रिसिप्ट इशूड अगेंस्ट द इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने शेयर्स इशू किए हैं डिबेंचर्स ने शेयर्स इशू किए हैं तो आईडीआर, ठीक है ना। तो डिपॉजिटरी रिसिप्ट जो है वो नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट का पार्ट है। तो हमने देखा डेट इंस्ट्रूमेंट में क्या आता है, नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट में क्या आता है, पेपर में एमसीक्यू में आ सकता है। फिर राइट इशू एंड बोनस इशू, कहता है जी अगर पीआरआई मान लीजिए इक्विटी कैपिटल लेके बैठा है किसी फॉरेन एंटिटी की, अब वो फॉरेन एंटिटी जो है वो राइट इशू अनाउंस कर रही है बोनस अलॉट कर रही है, तो
क्या दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो PRI उस फॉरेन एंटिटी के राइट और बोनस में बोनस ले सकता है, बिल्कुल ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं। इनफैक्ट PRI के पास अधिकार है कि वो उन राइट शेयर्स को रिनाउंस भी कर सकता है किसी और PRI को या किसी PROI को भी, पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया को भी या पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया को भी वो रिनाउंस कर सकता है। फिर आगे आते हैं रूल नंबर 8, प्रोहिबिशन ऑन द इन्वेस्टमेंट आउटसाइड इंडिया। हाँ जी, ये क्या कहता है? कहता है नो पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया शैल मेक और ट्रांसफर एनी इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल कमिटमेंट आउटसाइड इंडिया। ओहो, इसने तो सीधा मना कर दिया कि भाई साहब कोई भी पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता या फिर कोई ट्रांसफर नहीं कर सकता ऑफ आउटसाइड इंडिया, मतलब बिल्कुल मना कर दिया। तो फिर हम चैप्टर पढ़ ही रहे हैं भाई, लोटा उठाओ चलो हरिद्वार बोलो हर हर गंगे जब कुछ हो ही नहीं सकता। लॉ कहता है हैंग ऑन, क्यों? क्योंकि पहली लाइन क्या लिखी है? सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड। कहता है जब तक एक्ट में रूल्स में रेगुलेशन में ना लिखा हो तब तक नहीं कर सकता। तो क्या रूल्स में लिखा हुआ है? हाँ, ये लिखा हुआ है ना। अब हम सारा यही पढ़ने जा रहे हैं कि कब कब कर सकता है। तो कहता है जनरली नहीं कर सकता जब तक अलाउ नहीं होगा। तो कहां कहां अलाउ है अब हम सारे रूल्स पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है? तो एक तरीके से रूल नंबर 8 काटा लगा दो, करने की जरूरत नहीं है। आगे रूल नंबर 9 पे आएगा, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट। हम देखना चाह रहे हैं PRI कैसे कैसे ओवरसीज इन्वेस्टमेंट कर सकता है, बहुत रेलेवेंट है ये। कहता है जी एनी इन्वेस्टमेंट मेड आउटसाइड इंडिया By a PRI shall be made, किसी भी foreign entity में हमारा PRI investment कर सकता है। शर्त यह है कि वो जो foreign entity है वो एक bona fide business activity, bona fide का मतलब होता है किसी भी legal business में लगी हो, और ये investment directly भी की जा सकती है या उसकी step down subsidiary के अंदर, मतलब directly भी उसमें कर लो, उसकी subsidiary में कर लो या उसकी step down subsidiary में कर लो। step down subsidiary मतलब holding की subsidiary, फिर होल्डिंग की सब्सिडरी, दिस इज कॉल्ड स्टेप डाउन सब्सिडरी। तो आप स्टेप डाउन सब्सिडरी के थ्रू भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। क्लियर हो गई इतनी बात? तो एक बार रिकॉल करो, PRI कहां इन्वेस्टमेंट कर सकता है? फॉरेन एंटिटी में भी कर सकता है, डायरेक्टली भी कर सकता है, और उसके स्टेप डाउन सब्सिडरी के थ्रू भी कर सकता है, प्रोवाइडेड कौन से बिजनेस में लगी हो? बोनाफाइड बिजनेस में लगी हो, ठीक है जी। परंतु एक बात ध्यान रखना, अगर आप कोई भी ओवरसीज इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में करना चाहते हैं तो आपको पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी होगी। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑन एन एप्लीकेशन मेड टू इट थ्रू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हाँ जी, अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू एप्लीकेशन आए तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है? परमिट कर सकती है फाइनेंशियल कमिटमेंट इन द स्ट्रेटेजिक सेक्टर अबव द लिमिट लेड डाउन इन दीज रूल। देखो जी, इन रूल्स के अंदर ना फाइनेंशियल कमिटमेंट की एक लिमिट निकलेगी, अभी वो निकलेगी नेटवर्थ का 4 गुना, 4 times ऑफ नेटवर्थ। तो सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन दे तो सेंट्रल गवर्नमेंट उस लिमिट से ज्यादा भी इन्वेस्टमेंट अलाउ कर सकती है, मगर एक सेक्टर में केवल, वो है स्ट्रेटेजिक सेक्टर, ठीक है जी। उसके अलावा RBI ऑन एन एप्लीकेशन मेड टू इट थ्रू द AD बैंक and for sufficient reason permit a PRI to make or transfer any investment or financial commitment outside. हाँ जी, अगर ऑथराइज डीलर के थ्रू एप्लीकेशन RBI को दी जाए तो RBI ट्रांसफर कर सकता, अलाउ कर सकता है या फिर इन्वेस्टमेंट अलाउ कर सकता है फाइनेंशियल कमिटमेंट में या इन्वेस्टमेंट में। तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अलाउ कर सकता है ऑथराइज डीलर अगर एप्लीकेशन सबमिट करे। ध्यान रखना, ये रूल भी आपके लिए खास कंसिडर्ड नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये बड़ा इंपॉर्टेंट है सेकेंड वाला। फिर कहता है ओवरसीज इन्वेस्टमेंट बाय द PRI शैल नॉट बी मेड इन द फॉरेन एंटिटी लोकेटेड इन अ कंट्री एज मे बी डिसाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब FATF कंप्लाइंट जो कंट्री नहीं है ना, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उनमें इन्वेस्टमेंट नहीं अलाउ करेगी। तो ओवरसीज इन्वेस्टमेंट बाय द PRI उन एंटिटीज में नहीं की जाएगी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी फ्रॉम अ टाइम टू टाइम। मैं कह सकता हूं पेपर के लिए ये भी रेलेवेंट ज्यादा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ सकते हो। मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि तुम रूल पढ़ो तो घबराओ मत कि कुछ छोड़ दिया भोपली ने। आगे तो मैं बताता जा रहा हूं क्या क्या रेलेवेंट नहीं होगा। फिर कहता है जी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में इन कंसल्टेशन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, अच्छा, प्रेस्क्राइब कर सकता है सीलिंग फॉर आउटफ्लो ऑन अकाउंट ऑफ द फाइनेंशियल कमिटमेंट और द ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। MCQ से आ सकता है, फाइनेंशियल कमिटमेंट और ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की लिमिट कौन डिसाइड करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। ध्यान रखना, ये MCQ में बन सकता है। उसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट सीलिंग भी प्रोवाइड कर सकता है जिसके ऊपर आप फाइनेंशियल कमिटमेंट नहीं कर सकते, और अगर करना चाहते हो तो पहले प्रायर
अप्रूवल लेनी पड़ेगी, यानी कि वो ये एरिया भी बता सकता है कहां कहां पर फाइनेंशियल कमिटमेंट या फिर ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, यानी कि ओवरसीज इन्वेस्टमेंट दोनों को मिला दो तो ओआई ओवरसीज इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो, और अगर लिमिट से ऊपर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो किसकी अप्रूवल होगी, ये भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड कर सकता है। ठीक हो गई इतनी बात भी, आगे बढ़ते हैं। फिर कहता है कुछ केसेस में आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, वो कौन कौन से केसेस हैं। कहता है जी अगर मान लीजिए कोई पीआरआई ऐसा है जिसका अकाउंट एनपीए है, या फिर जो विलफुल डिफॉल्टर घोषित किया जा चुका है, या फिर जो अंडर इन्वेस्टिगेशन है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा, सीबीआई के द्वारा, या फिर सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस के द्वारा, अगर मान लीजिए ये बड़े बदतमीजी है यार, ये कोई फाइनेंशियल कमिटमेंट करना चाहता है या फिर ऑलरेडी फाइनेंशियल कमिटमेंट कर चुका है, अब दिस इन्वेस्टमेंट बेचना चाहता है, तो अगर ये ऐसा करना चाहता है तो पहले तुझे एनओसी लेनी पड़ेगी। एनओसी किससे लेनी पड़ेगी, अगर तूने बैंकों से लोन लिया हुआ है तो लेंडर से, फिर जो भी तेरे ऊपर रेगुलेटर आ रहे हैं उनसे, फिर जो भी तेरे खिलाफ इन्वेस्टिगेशन चल रही है उनसे, इन्वेस्टिगेटर से तुझे एनओसी लेनी पड़ेगी। कैसे एनओसी ली जाएगी, पहले एप्लीकेशन दी जाएगी उन लोगों को राइटिंग में, अगर कोई रिप्लाई 60 डेज में नहीं आया तो माना जाएगा कि उन्हें कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है। साथ में एनओसी जब वो देंगे तो किसको एड्रेस करेंगे, ये ऑथराइज डीलर को एड्रेस करेंगे, और तेरे को एक कॉपी दी जाएगी, एंडोर्समेंट टू द एप्लीकेंट, मतलब एक कॉपी एप्लीकेंट को दी जाएगी। अगर ये लोग, अगर ऐसा पीआरआई जो इन हालात में है और फिर भी फाइनेंशियल कमिटमेंट करना चाह रहा है या फिर डिसइन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है तो, ठीक है जी, और आगे बढ़े चले। फिर ये भी आपसे एमसीक्यू में पूछ सकता है कि अगर मान लीजिए कोई इंडियन एंटिटी ओडीआई करना चाहती है तो उससे रिलेटेड रूल्स कहाँ पे लिखे हुए हैं, शेड्यूल वन में। फिर कोई इंडियन एंटिटी, अगर कोई इंडियन एंटिटी ओपीआई करना चाहती है तो उससे रिलेटेड रूल्स कहाँ लिखे हुए हैं, शेड्यूल टू में। फिर कोई रेजिडेंट इंडिविजुअल अगर मान लीजिए ओपीआई या ओडीआई करना चाहता है तो इसका मतलब पूरा ओआई लिख दिया, ओआई ध्यान रखना, यहाँ ओडीआई है या ओपीआई, यहाँ ओआई है, तो ओपीआई ओडीआई सब यहाँ आ गया, उसके लिए शेड्यूल थ्री बना हुआ है। फिर इंडियन एंटिटी और रेजिडेंट इंडिविजुअल को छोड़ दो, अगर अदर देन इंडियन एंटिटी एंड रेजिडेंट इंडिविजुअल अगर कोई ओवरसीज इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो शेड्यूल फोर के अंदर। फिर अगर मान लीजिए कोई भी ओवरसीज इन्वेस्टमेंट आईएफएससी में करना चाहते हो तो शेड्यूल फाइव। तो ये शेड्यूल से रिलेटेड भी सवाल पेपर में पूछा जा सकता है कि बताइए इससे रिलेटेड रूल्स कहां पे मिलेंगे आपको। ठीक है जी, आगे आते हैं। फिर रूल नंबर 16 के ऊपर आते हैं जी। रूल नंबर 16, आइए जी, रूल नंबर 16 क्या बातें करता है, प्राइसिंग से रिलेटेड बातें करता है। क्या बातें करता है, देखते हैं जी। प्राइसिंग गाइडलाइंस कहता जी ऐसा है कि अगर मान लीजिए हमारे पास ये जो इक्विटी शेयर हैं किसी फॉरेन एंटिटी के, अब ये जो फॉरेन एंटिटी में इक्विटी शेयर्स हैं अगर ये ट्रांसफर किए जा रहे हैं, अच्छा ट्रांसफर कैसे हो रहे हैं, कोई पीआरओआई उन्हें ट्रांसफर कर रहा है किसी पीआरआई को, या कोई पीआरआई ट्रांसफर कर रहा है किसी पीआरआई को, या फिर पीआरआई ट्रांसफर कर रहा है किसी पीआरओआई को। देखो जी, अगर बायर पीआरआई है तो वो एलिजिबल बायर होना चाहिए इन रूल्स के अकॉर्डिंग। पीआरआई के अकॉर्डिंग पीआरआई है अगर वो, तो वो एलिजिबल पीआरआई होना चाहिए। अच्छा, पीआरआई में तीन लोग आते हैं, एक आएंगे रेजिडेंट इंडिविजुअल जिनकी अभी हम चर्चा करेंगे, एक आएंगे इंडियन एंटिटी जिनके बारे में हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, कंपनी एलएलपी फॉर्म ये सब, और एक होती है अदर देन इंडियन एंटिटी और रेजिडेंट जिनकी अगेन अभी हम चर्चा करेंगे। तो अगर तो पीआरआई कोई फॉरेन एंटिटी की इक्विटी शेयर खरीद रहा है तो वो एलिजिबल पीआरआई होना चाहिए बायर अगर वो है, और अगर वो सेलर है तो कोई दिक्कत नहीं। बट एक बात ध्यान रखना, जो गाइडलाइन जो प्राइस होगा वो प्राइस कैसे निकलेगा, वो आर्म लेंथ प्राइस होगा, कोई भी आर्म लेंथ प्राइस से नीचे ऊपर कुछ नहीं होगा। अब ये आर्म लेंथ प्राइस कैसे निकाला जाता है, वैल्यूएशन की रिपोर्ट के बेसिस पर, और ये किसको भेजा जाता है वैल्यूअर की रिपोर्ट निकालकर, एडी को, एडी को ये रिपोर्ट बना के दी जाती है, और वो बिल्कुल आर्म लेंथ प्राइस पे ट्रांजेक्शन होगी जो भी फॉरेन सिक्योरिटी में ट्रांसफर हो रहा है। अगर वो किसी भी तरीके से ट्रांसफर पीआरआई को हो रहा है तो पीआरआई एलिजिबल होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर कहता है ट्रांसफर और लिक्विडेशन। अच्छा, कहता है जी मान लीजिए अगर कोई पीआरआई है जो कि इक्विटी कैपिटल लेके बैठा है किसी फॉरेन एंटिटी की, ओके, अब ये इसे ट्रांसफर करना चाहता है। अच्छा, किसको ट्रांसफर कर सकता है, किसी पीआरआई को जो कि एलिजिबल होना चाहिए, किसी भी पीआरओआई को भी, ठीक है। अगर मान लीजिए ये जो ट्रांसफर हो रहा है, ओके, ये कैसे हो रहा है, या तो किसी मर्जर अमलगमेशन के कारण, या लिक्विडेशन के कारण, या फिर बायबैक के कारण हो रहा है, ठीक है ना। तो मर्जर अमलगमेशन वगैरह,
तो आपको कंपिटेंट अथॉरिटी की भी अप्रूवल चाहिए। कंपिटेंट अथॉरिटी एक तो इंडिया में होगी और एक शायद फॉरेन कंट्री में होगी, तो फिर दोनों की अप्रूवल चाहिए। जो भी रिस्पेक्टिव मतलब कंट्री का कानून आप कंप्लाई कर रहे हो, चाहे इंडिया का चाहे होस्ट कंट्री का, तो जो भी सेक्शन आपके ऊपर एप्लीकेबल हो रहा है तो वहां पर आपको अप्रूवल चाहिए ही चाहिए। ठीक है जी। और आगे बढ़ते हैं, फिर कहता है मान लीजिए हमारे पीआरआई ने विदेशों में ओडीआई कर रखी थी किसी फॉरेन एंटिटी में, यानी कि अब पीआरआई ने ओडीआई कर रखी थी परंतु आज वो डिसइन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, मतलब अपनी फॉरेन सिक्योरिटी बेचने जा रहा है। ठीक है, अब ये जो डिसइन्वेस्टमेंट है ये फुल डिसइन्वेस्टमेंट है, ओके, पूरी डिसइन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, लिक्विडेशन नहीं हो रहा, अदर देन बाय द वे ऑफ लिक्विडेशन, लिक्विडेशन नहीं हो रहा, ट्रांसफर करने जा रहा है, ओके। तो अगर तो ये फुल डिसइन्वेस्टमेंट करने जा रहा है तो एक बात का ध्यान रखना, अब कोई रिश्ता नहीं रहना चाहिए, यानी कि ऐसा ना हो कि पीआरआई ने फॉरेन एंटिटी में फुल डिसइन्वेस्टमेंट की, उसके बावजूद भी उसे फॉरेन एंटिटी से कुछ अभी डेट का पैसा आना है, कुछ इक्विटी का पैसा आना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। फुल डिसइन्वेस्टमेंट अगर हुई है तो फिर कोई भी आउटस्टैंडिंग नहीं होना चाहिए फ्रॉम द फॉरेन एंटिटी एज एन इन्वेस्टर इन द इक्विटी कैपिटल या फिर डेट। सिंपल वर्जों में नो रिलेशन इन द फॉर्म ऑफ डेट और इक्विटी टू बी रिटेन्ड, यानी कि कोई भी पैसा फॉरेन एंटिटी ने आपको देना ना हो, सारे संबंध खत्म कर लेना, फुल डिसइन्वेस्टमेंट हो रही है तो। ठीक है जी। दूसरी बात, अगर मान लीजिए ट्रांसफरर इन केस ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट तभी कर सकते हो डिसइन्वेस्टमेंट जब कम से कम एक साल तक आपने वो ओडीआई अपने पास रखी हो, यानी कि डिसइन्वेस्टमेंट करने के लिए कम से कम एक साल तक आपको ओडीआई अपने पास रखनी पड़ेगी। ठीक हो गई इतनी बात। मगर ये जो कंडीशन है ना फुल डिसइन्वेस्टमेंट वगैरह से रिलेटेड, ये एप्लीकेबल नहीं होगी अगर अगर आप कर रहे हैं ये जो सिक्योरिटी ट्रांसफर कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, मर्जर डीमर्जर अमलगमेशन वगैरह के थ्रू कर रहे हैं, क्योंकि आपकी दो या दो से फॉरेन एंटिटीज जो हैं जो फुली ओन्ड बाय इंडियन एंटिटीज थी वो आपस में मर्ज हो रही हैं। इन्फोसिस के पास चार कंपनियां थी यूएस में, चारों मर्ज हो गई हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये ट्रांसफर माना जाएगा, मगर यहां पर ये कानून का पालन करने की जरूरत नहीं है। फिर और अगर आप मान लीजिए किसी भी और तरीके से देयर इज नो चेंज इन द एग्रीगेट इक्विटी होल्डिंग ऑफ द इंडियन एंटिटी इन द मर्ज्ड और डीमर्ज्ड एंटिटी, यानी कि कुछ भी ऐसा रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है जिससे कि इंडियन एंटिटी की जो ओवरऑल इक्विटी है या फिर ओवरऑल शेयर है पेड अप कैपिटल में वो कहीं भी चेंज नहीं हो रहा, वो डायलेशन नहीं हो रहा, तो ये कानून का पालन करने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है जी। और आगे बढ़ते हैं, फिर आता है रीस्ट्रक्चरिंग। रीस्ट्रक्चरिंग बोले तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। अच्छा, मान लीजिए कोई पीआरआई इन्वेस्टमेंट करके बैठा है ओडीआई की फॉर्म में किसी फॉरेन एंटिटी के अंदर, वो जो फॉरेन एंटिटी है वो लगातार दो साल से लॉस में चल रही है। अच्छा, तो क्या इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन अलाउ है? यस, प्रोवाइडेड जितना भी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह होती है उनका भी कंप्लायंस हो जाए और जितनी भी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट होती है अगर आप उनका पालन कर लेंगे। ठीक है। एक और बात, ये जो अब इंटरनल रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब है कि एंटिटी को लॉस हो रहे होंगे, वो लॉस आपने कैपिटल में से एडजस्ट करके कैपिटल को माइनस कर दिया होगा, तो आपका जो डिमिनेशन इन द टोटल आउटस्टैंडिंग टुवर्ड्स द पीआरआई है वो प्रोपोर्शनेट लॉस से ज्यादा नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल क्या मतलब है, मैं कहता हूं जी ए लिमिटेड एक फॉरेन एंटिटी है, ठीक है, अब यहां पर इक्विटी है 10 करोड़ और जहां और लॉस है 1 करोड़ रुपए, तो इंडियन एंटिटी यहां पर ओन करती है 4 करोड़ रुपए की इक्विटी। अब लॉस को आपने कैपिटल में एडजस्ट किया, जब आपने रीस्ट्रक्चरिंग की तो इक्विटी बची कितनी, 9 करोड़। लो जी, 1 करोड़ का लॉस 10 करोड़ की इक्विटी में चला गया, यानी कि 10% इक्विटी कम हो गई, तो अब इंडियन एंटिटी का शेयर भी 10% कम होना चाहिए, यानी कि 3 करोड़ 60 लाख रुपए ही होना चाहिए अब रिमेनिंग शेयर। तो वही कह रहा है, कहता है डिमिनेशन जो है वो किसी भी हालत में प्रोपोर्शनेट लॉस से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना, इंडियन एंटिटी के साथ मजाक नहीं करना बिल्कुल भी। उसके बाद कहता है जी अगर मान लीजिए आपने जो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट की थी ओडीआई में, अगर वो इन्वेस्टमेंट $10 मिलियन से ज्यादा की थी, या फिर जो डिमिनेशन इन वैल्यू हुआ है, जो लॉस बटा है, वो 20% से भी ज्यादा का लॉस हुआ है, यानी कि आपकी कैपिटल 20% से भी ज्यादा हो रही है कम, तो फिर रुको, हैंग ऑन, पहले सर्टिफाइड करवा के दो कि आर्म लेंथ बेसिस पे हो रहा है, किसके द्वारा, वैल्यूअर के द्वारा।
ये सबको बराबर बांटा जा रहा है और आर्म लेंथ बेसिस पे बांटा जा रहा है, वैल्यूअर की हमें रिपोर्ट चाहिए। और ये जो सर्टिफिकेट है ये किसी भी हालत में 6 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए बिफोर द ट्रांजेक्शन डेट। ट्रांजेक्शन डेट के 6 महीने से ज्यादा पुराना सर्टिफिकेट नहीं चलेगा, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। और आगे बढ़ते हैं, तो ये हमने किया जी, अगर ट्रांसफर वगैरह हो रहा हो या रिस्ट्रक्चरिंग वगैरह हो तो उसकी गाइडलाइंस हमने की। फिर ये इंपॉर्टेंट रेगुलेशन है बहुत, कहता है जी कोई भी PRI ODI करेगा ही नहीं किसी भी फॉरेन एंटिटी में जो कि इंगेज होगी रियल एस्टेट एक्टिविटी के अंदर, यानी कि हम विदेशों में ना विदेशी, अगर आपको याद हो तो कैट का शेड्यूल 3 हमने किया था कि कोई भी विदेशी भारत में रियल एस्टेट में इन्वेस्ट नहीं कर सकता। सिमिलरली कोई भी PRI विदेशों में रियल एस्टेट में इन्वेस्ट नहीं कर सकता। फिर वहां पे रियल एस्टेट की डेफिनेशन में लिखा था कुछ 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 एक्टिविटी रियल एस्टेट में नहीं आएंगी, यहाँ पे भी वही लिखा है कि रियल एस्टेट में वो चीजें इंक्लूड नहीं होती, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ टाउनशिप विदेशों में आप कर सकते हो, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोविंसेस रोड ब्रिजेस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो डेवलप करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। फिर उसके बाद गैम्बलिंग किसी भी फॉर्म में आप नहीं कर सकते। फिर डीलिंग विद द फाइनेंशियल प्रोडक्ट जो कि इंडियन रुपीस के अंदर रिफ्लेक्ट किए जाते हो, अगर उनके अंदर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो फिर विदाउट अप्रूवल ऑफ RBI आप नहीं कर सकते, विदाउट अप्रूवल ऑफ द RBI आप नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल HDFC बैंक रिसेंटली इन्होंने क्या किया था, इन्वेस्टमेंट किया था INR में लिंक्ड प्रोडक्ट थे जिसे मसाला बॉन्ड कहते हैं, उसमें HDFC बैंक ने इन्वेस्ट किया था। मसाला बॉन्ड का मतलब होता है कि जहां सारा पैसा एक ही साथ आ जाता है सिंगल इंस्टॉलमेंट में। तो HDFC ने रिसेंटली जब एक्वायर किए थे वो, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अप्रूवल ली गई थी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, फिर उसके बाद कहता है ODI अगर आप विदेशों में किसी स्टार्टअप में इन्वेस्ट करना चाहते हो करो, कोई दिक्कत नहीं, हमारा पैसा नहीं जाना चाहिए, अपने इंटरनल अक्रूवल से पैसा लगा देना, तो इंटरनल अक्रूवल से पैसा लगा के इन्वेस्ट कर सकते हो। फिर भारत में कानून है कि आप 2 लेयर से ज्यादा सब्सिडरी नहीं रख सकते, 2 लेयर से ज्यादा सब्सिडरी भारत में नहीं हो सकती, हालांकि 186 में लिखा है मोर देन 2 लेयर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट सब्सिडरी नहीं हो सकती, बट वो पूरा कानून नहीं है, उसके अलावा लेयर से रिलेटेड हमारे पास रूल्स बने हुए हैं 2017 के जो आपके सिलेबस में नहीं है, जो कहते हैं मोर देन 2 लेयर्स ऑफ सब्सिडरीज नहीं हो सकती, बट कुछ कंपनीज को एग्जम्पशन है, लाइक बैंकिंग कंपनियों की हो सकती है, इंश्योरेंस की हो सकती है, NBFCs हो सकती हैं और गवर्नमेंट कंपनीज की हो सकती हैं, ठीक है ना। तो फिर यही बात यहाँ लिखी हुई है कि आप कोई भी PRI कोई भी फाइनेंशियल कमिटमेंट नहीं करेगा किसी भी फॉरेन एंटिटी के अंदर जो कि इन्वेस्ट करके बैठी है इंडिया में ऐसे स्ट्रक्चर में जिसकी ऑलरेडी मोर देन 2 लेयर्स ऑफ सब्सिडरी हैं, ऑलरेडी मोर देन 2 लेयर्स ऑफ सब्सिडरी। अब सवाल उठा सर जब मोर देन 2 लेयर्स हो नहीं सकती तो इसने कैसे कर रखी है, वो इसलिए कि जो 2017 से पहले करके बैठी है उनको अलाउ है, जो उससे उसके बाद अगर कोई करना चाहता है तो नहीं करने देंगे, ठीक है। तो कोई भी PRI ऐसी किसी फॉरेन एंटिटी में इन्वेस्ट नहीं कर सकता, ठीक है। फिर नॉट एप्लीकेबल टू, हाँ जी ये चीज एप्लीकेबल नहीं होगी अगर आप बैंकिंग में है, इंश्योरेंस में है, NBFC में है या गवर्नमेंट सेक्टर में अगर कोई फॉरेन एंटिटी लगी हुई है तो उसके अंदर ये बात अप्लाई नहीं होगी। फिर रिस्ट्रक्चरिंग ऑन द एक्विजिशन ऑफ द ट्रांसफर ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया, रिस्ट्रिक्शन सॉरी ऑन द एक्विजिशन और ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया, ये सबसे सुपर डुपर पूपर इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है पहला, कहता है जी कोई भी PRI ना तो एक्वायर करेगा ना ट्रांसफर करेगा कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया एक्सेप्ट विद द RBI परमिशन, यानी कि कुछ भी अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी वगैरह एक्वायर करनी है तो पहले आपको RBI की परमिशन लेनी होगी। फिर कहता है हैंग ऑन, कोई RBI की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है अगर आप PRI हैं, परंतु सिटीजन ऑफ फॉरन के हैं अभी भी, कोई परमिशन की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, अगर आप एक्विजिशन कर रहे हैं, किया है आपने 8 जुलाई 1947 से पहले, तो यू कैन कंटिन्यू टू होल्ड सच इमूवेबल प्रॉपर्टी, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगर आप एक्वायर्ड कर रहे हैं एज अ PRI के रूप में है, लीज पे अप टू 5 ईयर्स 5 साल की लीज के लिए कोई RBI की अप्रूवल की जरूरत नहीं है। फिर सेकेंड पॉइंट कहता है फिर भी RBI की परमिशन की जरूरत इन केसेस में भी नहीं है जो भी अब आप पढ़ रहे हैं। पहला, अगर PRI एक्वायर करता है कोई भी IP मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय द वे ऑफ इनहेरिटेंस, विदेशों में इनहेरिटेंस के थ्रू प्रॉपर्टी एक्वायर की है, गिफ्ट के थ्रू इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर की है, या फिर किसी PRI से परचेज की है जिसने जब इसे खरीदा था तो फेमा के नियमों का पालन करके खरीदा था, कोई दिक्कत नहीं है। फिर PRI में एक्वायर इमूवेबल प्रॉपर्टी फ्रॉम PROI, तो यहाँ पे तो नहीं लिखा PRI PROI, तो मतलब किसी से भी ले सकता है। फिर दोबारा यहाँ पे कहता है PROI से भी ले सकता है,
इनहेरिटेंस के थ्रू, ओके, रेजिडेंट फॉरेन करेंसी के थ्रू, ओके, फिर उसके बाद लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के थ्रू, ओ लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के थ्रू। तो इसमें क्या मतलब हुआ, क्या मैं कह सकता हूं ये रेस्ट्रिक्शन है पीआरआई से ऊपर, तो यानी कि पीआरआई के थ्रू इनहेरिटेंस कर सकते हो, पीआरआई के थ्रू गिफ्ट, पीआरआई के थ्रू परचेस कर सकते हो। ये जो फॉर्म है ना, ये तीनों के लिए है, ठीक है। फिर पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया से करना चाहते हो तो ध्यान रखना इनहेरिटेंस के थ्रू कर सकते हो, रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट के थ्रू पेमेंट करके कर सकते हो, या लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम जो $2,50,000 की थी उसके थ्रू आप इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेस कर सकते हो, जो कि शेड्यूल वन ऑफ द कैट में भी आता था। फिर उसके बाद कहता है जब आप मान लीजिए पीआरआई है आपका कोई रिलेटिव, उसके साथ मिलकर अगर आप प्रॉपर्टी परचेस करना चाहते हैं तो कंसोलिडेट होनी चाहिए, मतलब जॉइंट नाम पर परचेज होनी चाहिए। वहां पे भी हमने पढ़ा था कि जॉइंट नाम पे कर लो, आप कर सकते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है जॉइंट नाम पे करना। सिमिलरली अगर आपका रिलेटिव पीआरओआई है तो उसके साथ भी आप जॉइंटली कर सकते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर या फिर आप विदेशों में कोई इन्वेस्टमेंट थी उसे बेचकर विदेशों में ही वहीं के वहीं इन्वेस्ट करना चाहते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इन सभी केसेस में आप इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकते हो, वी डोंट हैव एनी इशू एट ऑल। फिर उसके बाद इंडियन एंटिटी अगर मान लीजिए ओवरसीज ऑफिस खरीदना चाहती है इमूवेबल प्रॉपर्टी के फॉर्म में, या तो बिजनेस के लिए या फिर रेजिडेंशियल पर्पस ऑफ इट्स स्टाफ के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर इंडियन एंटिटी एक्वायर करना चाहती है कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई आरबीआई नहीं चाहिए, कोई बीच में नहीं आएगा। नेक्स्ट पीआरआई जो कि एक्वायर करता है इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया में, हाँ जी, अगर मान लीजिए आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया एक्वायर की है तो उसके बाद आप उसे ट्रांसफर कर सकते हैं गिफ्ट के फॉर्म में टू द पीआरआई, यस, जो एलिजिबल होगा, यस, और सेल भी कर सकते हैं किसी पीआरआई को, यस, सेल भी कर सकते हैं किसी पीआरआई को। या फिर आप उस इमूवेबल प्रॉपर्टी जो आपने विदेशों में एक्वायर किया उसके ऊपर चार्ज भी क्रिएट कर सकते हैं, यस, चार्ज क्या है, इंडिया में भी क्रिएट कर सकते हैं, विदेशों में भी क्रिएट कर सकते हैं, कहीं पे भी कर सकते हैं, ठीक है जी। अब देखो जी, अगर आपको याद हो तो हमने शेड्यूल्स की चर्चा की थी कि भाई इंडियन एंटिटी ओडीआई करेगी तो शेड्यूल वन, ओपीआई करेगी तो शेड्यूल टू, इंडियन रेजिडेंट ओआई करेगा तो शेड्यूल थ्री, याद है। तो अब शेड्यूल्स शुरू हो गए हैं। पहला ODI by Indian entity, ODI, ध्यान रखना, Indian entity, किसी foreign entity के अंदर ODI करना चाहती है, करो, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु bona fide activities के लिए करना, बस केवल legal business के लिए करना। दूसरा, ODI किस तरीके से की जा सकती है, जब मैं कहता हूँ विदेशी कंपनियों में ODI कर रहे हो तो किस तरीके से कर सकते हो, पहला मेमोरेंडम को सब्सक्राइब कर लो, या फिर उसके इक्विटी शेयर्स को परचेस कर लो, चाहे वो लिस्ट हो या अनलिस्ट हो। हमने दो ओडीआई के डेफिनेशन में देखा, 10% से ऊपर या 10% से नीचे प्लस कंट्रोल, दोनों लिस्टेड, अनलिस्टेड में कुछ भी, सब्सक्रिप्शन टू द मेमोरेंडम, सब ओडीआई के डेफिनेशन में देखा। फिर आप एक्विजिशन बिडिंग या टेंडरिंग प्रोसेस के थ्रू भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, ये इक्विटी शेयर कितने के, मैंने कहा जी 10 लाख, तुमने कहा 15 लाख, मैंने कहा 20 लाख, ठीक है, तो इस प्रोसेस के थ्रू भी कर सकते हो। फिर इक्विटी कैपिटल राइट और बोनस के थ्रू भी आप उनकी कैपिटल एक्वायर कर सकते हो। फिर कन्वर्जन ऑफ डेट इनटू इक्विटी के थ्रू भी आप कर सकते हो, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स वगैरह के थ्रू। फिर स्वैप ऑफ सिक्योरिटी थ्रू मर्जर डीमर्जर एमलगमेशन वगैरह के थ्रू भी आप कर सकते हो। तो ये वो तरीके हैं जिससे एफडीआई, सॉरी, कोई भी इंडियन एंटिटी फॉरेन एंटिटी में ओडीआई कर सकती है, प्रोवाइडेड वो जो फॉरेन एंटिटी है वो कहां लगी होनी चाहिए, किसी लीगल बिजनेस यानी कि बोनाफाइड बिजनेस एक्टिविटी में लगी होनी चाहिए। फिर उसके बाद अगर मान लीजिए इंडियन एंटिटी किसी फॉरेन एंटिटी में इन्वेस्ट करना चाहती है, ओडीआई करना चाहती है, और वो जो ओडीआई करना चाहती है वो फाइनेंशियल सर्विस एक्टिविटी वगैरह में लगी हुई है, फाइनेंशियल सर्विस एक्टिविटी सेक्टर में करना चाहती है, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ऐसे ऐसी चीजों में करना चाहती है जो कि फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर्स के अंदर आती है, तो फिर अब इससे रिलेटेड कानून देखिएगा। अगर मान लीजिए इंडियन एंटिटी है जो कि फाइनेंशियल सेक्टर एक्टिविटीज में लगी हुई है, फाइनेंशियल सर्विस एक्टिविटी में लगी हुई है, वो ओडीआई करना चाहती है किसी फॉरेन एंटिटी में जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी फाइनेंशियल सर्विस एक्टिविटीज के अंदर ही है, तो फिर शर्त ये है कि नेट प्रॉफिट होना चाहिए इंडियन एंटिटी का, इंडियन एंटिटी का नेट प्रॉफिट होना चाहिए पिछले 3 साल में, ठीक है। परंतु कोविड पीरियड जब था 2021-22 उसको मैं कंसिडर नहीं करूंगा, उसमें अगर नेट प्रॉफिट नहीं है कोई दिक्कत नहीं। इंडियन एंटिटी जो है वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए किसी फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर के पास इन इंडिया। दूसरी बात, इस एक्विजिशन से पहले इंडियन एंटिटी को अप्रूवल लेनी पड़ेगी फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर से, वो रेगुलेटर इंडिया का भी होना चाहिए एंड होस्ट कंट्री का भी, दोनों रेगुलेटर से आपको अप्रूवल लेनी पड़ेगी, तब
इंडियन एंटिटी जो कि फाइनेंशियल सेक्टर एक्टिविटी में लगी हुई है, किसी फॉरेन एंटिटी जो कि फाइनेंशियल सेक्टर एक्टिविटी में लगी हुई है उसका एक्विजिशन कर सकती है, ये शर्तें जी। उसके बाद अगर इंडियन एंटिटी जो कि फाइनेंशियल सेक्टर एक्टिविटी में नहीं लगी हुई वो अगर ओडीआई करना चाहती है किसी फॉरेन एंटिटी का जो कि फाइनेंशियल सेक्टर एक्टिविटी में लगी हुई है, ये मां माता जी, तो फिर कर सकती है। हाँ, शर्त यह है कि वो फॉरेन एंटिटी बैंकिंग और इंश्योरेंस में नहीं होनी चाहिए, उसके अलावा किसी और एक्टिविटी में हो सकती है, प्लस नेट प्रॉफिट पिछले 3 साल में रहना चाहिए इंडियन एंटिटी का, नहीं देखा जाएगा कोविड पीरियड के अंदर। समझ आई बात? तो इंडियन एंटिटी अगर वो फाइनेंशियल सेक्टर एक्टिविटी में नहीं है और किसी फॉरेन एंटिटी जो कि फाइनेंशियल सेक्टर एक्टिविटी में है उसको एक्विजिशन करने चाहती है, कर लो, मगर वो बैंकिंग और इंश्योरेंस के अलावा होनी चाहिए। ओके, फिर उसके अलावा अगर इंडियन एंटिटी किसी ओडीआई करना चाहती है किसी फॉरेन एंटिटी में, अच्छा इंडियन एंटिटी इंश्योरेंस में नहीं है, मान लीजिए बैंकिंग में है इंश्योरेंस में नहीं है, और फॉरेन एंटिटी करना फिर भी एक्वायर करना चाहती है किसी फॉरेन एंटिटी को जो कि जनरल और हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर में है, इन जनरल और हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर में इंडियन एंटिटी इंश्योरेंस में नहीं है, इंश्योरेंस के अलावा किसी सेक्टर में है, तो कहता है अलाउ है, परंतु शर्त यह है कि यह सपोर्ट करेगी द कोर एक्टिविटी ऑफ द इंडियन एंटिटी को, मतलब इंडियन एंटिटी का जो मेन ऑब्जेक्ट है उसको अचीव करने में मदद मिलेगी इससे। ठीक है जी, फिर अब हम आए लिमिट पे, फाइनेंशियल कमिटमेंट की एक लिमिट भी तो होगी। लोग कहते हैं हाँ होगी, कितनी है वो, है कितनी है लिमिट फॉर फाइनेंशियल कमिटमेंट इंडियन एंटिटी सभी के सभी फॉरेन एंटिटी में मिलाकर कितनी कर सकती है, 4 गुना ऑफ नेटवर्क तक कर सकती है। ध्यान रखना फॉरेन कंट्री कमिटमेंट, जब मैं देखूंगा कि फॉरेन कमिटमेंट में क्या क्या, सॉरी फाइनेंशियल कमिटमेंट में क्या क्या आएगा, तो फाइनेंशियल कमिटमेंट में एक्सक्लूड होगा जो आपका बोनस है ना, तो वो एक्सक्लूड होगा, वो फाइनेंशियल कमिटमेंट में नहीं होगा। अगर आपको बोनस आया है तो वो फाइनेंशियल कमिटमेंट नहीं है। दूसरी बात, आपने विदेशों में ADR GDR इशू किए, वहां से आपको पैसा आया, फिर उससे आपने ODR की, वो इंक्लूड होगा। आपने विदेशों से ECB रेस किया, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, उससे आपने विदेशों में ODI कर दी, वो भी इंक्लूड होगा, वो भी फाइनेंशियल कमिटमेंट की डेफिनेशन में आएगा। ठीक है, फिर अगर मान लीजिए फाइनेंशियल कमिटमेंट हमारे देश के महारत्ना, महाराष्ट्र लिखा है, महारत्ना है रे पोपली, महारत्ना है, नवरत्ना है, मिनी रत्ना है, या इनके सब्सिडरीज अगर स्ट्रेटेजिक सेक्टर में कोई फाइनेंशियल कमिटमेंट करना चाहती हैं, ये महारत्न, नवरत्न या फिर मिनी रत्न या फिर इनकी सब्सिडरीज किसी स्ट्रेटेजिक सेक्टर में करना चाहते हो, कोई लिमिट नहीं है, ये 4 गुना ऑफ नेटवर्थ वाली लिमिट लगेगी नहीं। लो जी, ये शेड्यूल 1 आपका खत्म हो गया जो सबसे इंपॉर्टेंट था। फिर आता है शेड्यूल 2, इंडियन एंटिटी OPI करने जा रही है, क्या करने जा रही है, OPI। ओके, तो क्या कोई इंडियन एंटिटी OPI कर सकती है, कर सकती है, कहां तक, मैक्सिमम 50% ऑफ इट्स नेटवर्क तक। अच्छा, अब एक बात सुनो, अगर मैं आपसे कहूं कि इंडियन एंटिटी कितना ओवरसीज इन्वेस्टमेंट कर सकती है, तो फाइनेंशियल कमिटमेंट प्लस OPI दोनों जोड़ दो, 400 + 50 कितना हो गया, 450। ठीक है, 450% ऑफ नेटवर्क, 450% ऑफ इट्स नेटवर्क तक हो सकता है टोटल मिला के इंडियन एंटिटी के द्वारा। ठीक है, दूसरी बात कहते हैं लिस्टेड इंडियन कंपनी मे मेक OPI इंक्लूडिंग बाय द वे ऑफ री इन्वेस्टमेंट। हाँ जी, OPI री इन्वेस्टमेंट के द्वारा भी हो सकता है। री इन्वेस्टमेंट मतलब जो आपने OPI किया था उस पर इनकम जनरेट हुई, उस इनकम को दोबारा से आपने इन्वेस्ट कर दिया, तो वो भी OPI मानी जाएगी। फिर अनलिस्टेड इंडियन एंटिटी किस तरीके से OPI कर सकती है, इसके पास करने के तरीके क्या है, राइट इशू, बोनस शेयर्स, डेट कैपिटलाइजेशन, स्वैप, डीमर्जर, मर्जर, अमलगमेशन, वो जो ऊपर भी पढ़े थे अभी। तो ये इंडियन अनलिस्टेड इंडियन एंटिटी OPI किन किन रूट के थ्रू कर सकती है। ठीक हो गई इतनी बात, चले अब हम आते हैं शेड्यूल 3 पर। वो कहता है ओवरसीज इन्वेस्टमेंट बाय द रेजिडेंट इंडिविजुअल, हमारे देश का एक रेजिडेंट इंडिविजुअल अगर ODI वगैरह में इन्वेस्ट करना चाहता है या OPI में इन्वेस्ट करना चाहता है तो कितने तक कर सकता है, लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम यानी कि $250,000 तक। फिर ओवरसीज इन्वेस्टमेंट अगर वो करना चाहता है तो फिर ओवरसीज इन्वेस्टमेंट मतलब या ODI में कर रहा है, OPI में कर रहा है, या ODI OPI में कर रहा है, तो ODI में करना चाहता है कर सकता है, किसी फॉरेन एंटिटी में कर सकता है, प्रोवाइडेड वो फाइनेंशियल सर्विस एक्टिविटी में नहीं होनी चाहिए। अगर किसी फॉरेन एंटिटी में करना चाहता है वो फाइनेंशियल सर्विस एक्टिविटी में ना हो क्योंकि तू रेजिडेंट इंडिविजुअल है। दूसरा, री इन्वेस्टमेंट के थ्रू OPI में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, री इन्वेस्टमेंट इनकम पे इनकम OPI ट्रीट की जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, चाहे ODI हो या OPI हो, बाय द वे ऑफ मर्जर हो सकता है, कन्वर्जन ऑफ डेट हो सकता है, गिफ्ट हो सकता है, इनहेरिटेंस हो सकता है,
स्वेट इक्विटी हो सकता है। मिनिमम क्वालिफिकेशन शेयर क्या होते हैं, कई बार ना जैसे भारत में भी कानून था, अब नहीं है, कि अगर आप डायरेक्टर बनना चाहते हो तो डायरेक्टर बनने से आप पहले आपको कुछ शेयर्स लेने पड़ेंगे कंपनी के, ऐसे कहते हैं मिनिमम क्वालिफिकेशन शेयर। तो अगर वो रिक्वायरमेंट है विदेशों में वो ले रहे हो, कर सकते हो शेयर्स ईसॉप्स वगैरह के फॉर्म में, वो भी कर सकते हो। फिर कहता है हैंग ऑन, 5, 6, 7 इन तीनों में, यानी कि स्वेट इक्विटी, ईसॉप्स, मिनिमम क्वालिफिकेशन शेयर। अगर मान लीजिए रेजिडेंट इंडिविजुअल के इन्वेस्टमेंट 10% से कम है किसी भी लिस्टेड या अनलिस्टेड फॉरेन एंटिटी में विदाउट कंट्रोल है, दोबारा बोलो, 10% से कम है, चाहे फॉरेन एंटिटी लिस्टेड है या अनलिस्टेड है, कंट्रोल भी नहीं है, तो फिर इसे मैं ओपीआई कहता हूं। क्या मैं कहता हूं इसे? ओपीआई, और बाकी ओडीआई है। फिर अगली बात कहता है 4 से 7, 4 से 7 में क्या आया? स्वेट इक्विटी, मिनिमम क्वालिफिकेशन, ईसॉप्स, इनहेरिटेंस। 4 से 7 में अगर आप ओडीआई करना चाहते हो किसी फॉरेन एंटिटी में, ओके, चाहे वो फाइनेंशियल सर्विस एक्टिविटी में हो या ना हो। वैसे तो हमने देखा कि ओडीआई आप नहीं कर सकते किसी फॉरेन एंटिटी में जो कि फाइनेंशियल सर्विस एक्टिविटी में लगी हुई है, नहीं कर सकते। बट कहता है इनहेरिटेंस, स्वेट इक्विटी, मिनिमम क्वालिफिकेशन, ईसॉप्स में अगर आप ओडीआई करना चाहते हो, अगर आप एक सिक्योरिटी वगैरह एक्वायर करना चाहते हो किसी फॉरेन एंटिटी की जो कि फाइनेंशियल सर्विस एक्टिविटी में है या नहीं है, है या नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। इस लाइन को काट देना, इसकी जरूरत नहीं है तुम्हें। लो जी, है या नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ आ रही है? तो यानी कि स्वेट इक्विटी, ईसॉप्स, मिनिमम क्वालिफिकेशन, इनहेरिटेंस के थ्रू आप किसी फॉरेन एंटिटी जो कि फाइनेंशियल सर्विस एक्टिविटी में भी लगी हुई है वहां पे भी कर सकते हो। ठीक हो गई इतनी बात, और आगे बढ़ते हैं। फिर कहता है एक्विजिशन बाय द वे ऑफ गिफ्ट और इनहेरिटेंस। लो जी, अब हम बात करते हैं एक्विजिशन बाय द वे ऑफ गिफ्ट और इनहेरिटेंस, किसकी बात हो रही है? रेजिडेंट इंडिविजुअल की बात हो रही है। ओके, तो रेजिडेंट इंडिविजुअल आप बिना किसी लिमिट के, कोई लिमिट ही नहीं है, फॉरेन सिक्योरिटी एक्वायर कर सकते हो। कैसे? इनहेरिटेंस के थ्रू, चाहे पीआरआई से या पीआरओआई से, दोनों से। इनहेरिटेंस तो बिना किसी रुकावट के कर सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा सर, ये जो ओडीआई ओपीआई से रिलेटेड रूल्स है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं लगेगा भाई, कुछ भी नहीं इनहेरिटेंस पे। फिर गिफ्ट के ऊपर कोई लिमिट नहीं है, एक्वायर कर सकते हो फॉरेन सिक्योरिटी गिफ्ट के रूप में पीआरआई से, जो कि आपका रिलेटिव होना चाहिए, जो कि आपका रिलेटिव होना चाहिए गिफ्ट की फॉर्म में। अच्छा, एक्वायर कर सकते हो फॉरेन सिक्योरिटी गिफ्ट की फॉर्म में किसी पीआरओआई से, ओके, परंतु रुक जाना, यहां पे एफसीआरए की लिमिट लगेंगी, क्योंकि गिफ्ट आ रहा है, फॉरेन सिक्योरिटी आ रही है, बंदा पीआरओआई है, एफसीआरए के अंदर गवर्न हो जाएगा ये केस। ठीक है, चले। उसके बाद अगर आप एक्विजिशन करना चाहते हो शेयर्स के फॉर्म में, किस फॉर्म में? शेयर्स या इंटरेस्ट वगैरह के फॉर्म में, अंडर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान वगैरह, अगर एक्विजिशन ऑफ शेयर ईसॉप्स वगैरह के अंदर करना चाहते हो, आप कौन हो? रेजिडेंट इंडिविजुअल, या फिर स्वेट इक्विटी शेयर्स वगैरह के अंदर करना चाहते हो, तो फिर कहता है रेजिडेंट इंडिविजुअल अगर तो ये एम्प्लॉय है या डायरेक्टर है, ओके, कोई लिमिट नहीं है, जितना मर्जी कर शेयर्स ईसॉप में ले ले, जितने एंटिटी ने दिए हैं तुझे, या स्वेट इक्विटी ले ले, प्रोवाइडेड वो जैसे तुझे मिले हैं वो सबको ऐसे ही यूनिफॉर्म बेसिस पे मिले हों, सबको यूनिफॉर्म बेसिस पे मिले हों। किसने दिए हों? उस ओवरसीज एंटिटी में जिसमें तो रेजिडेंट, जिसमें तो एम्प्लॉय है या डायरेक्टर है, तो उस ओवरसीज एंटिटी की शायद किसी इंडियन ऑफिस में रेजिडेंट, किसी इंडियन ऑफिस में एम्प्लॉय या डायरेक्टर हो, कोई दिक्कत नहीं, किसी ब्रांच में हो, किसी सब्सिडरी में हो, या तो ऐसे किसी इंडियन एंटिटी में हो जहां पर इस फॉरेन एंटिटी की इन्वेस्टमेंट है, लो जी, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर इन सब ने भी कोई भी सॉप्स दिए हैं, कोई भी स्वेट इक्विटी दिए हैं किसी रेजिडेंट इंडिविजुअल को जो कि एम्प्लॉय है या फिर डायरेक्टर है, तो फिर वो स्वेट इक्विटी के थ्रू या ई सॉप्स के थ्रू विदाउट एनी लिमिट इन्वेस्टमेंट कर सकता है किसी फॉरेन एंटिटी की सिक्योरिटीज में। ओके, फिर और आगे बढ़ते हैं। तो ये आता है अब हमारा शेड्यूल 4। अब हम बात करते हैं पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया की। तो मैंने कहा रेजिडेंट इंडिविजुअल शेड्यूल 3 बात कर चुका हूं,
इंडियन एंटिटी शेड्यूल 1-2 बात कर चुका हूं, अब मैं अदर्स में बात कर रहा हूं। अदर्स में कौन आते हैं? दो लोग कंसीडर किए गए हैं, एक है ट्रस्ट और एक है सोसाइटी। अगर ये ओडीआई करना चाहते हैं कहां पर, किसी फॉरेन एंटिटी में, तो फिर विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ रिजर्व बैंक में मेक ओडीआई इन द फॉरेन एंटिटी विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ रिजर्व बैंक प्लस कुछ और कंडीशंस हैं। पहला, ये जो फॉरेन एंटिटी जहां पर आप ओडीआई करना चाहते हो ये बिल्कुल उसी सेक्टर में होनी चाहिए जहां पर आप हो, लाइक ट्रस्ट और सोसाइटी में ही। दूसरी बात, ये जो आप इंडियन ट्रस्ट या सोसाइटी हैं, ये आपकी विंटेज एग्जिस्टेंस कम से कम 3 साल की होनी चाहिए इस ओडीआई को करने से पहले। तीसरी बात, आपका ट्रस्ट डीड या मेमोरेंडम या आपके रूल्स या बायलॉज आपको ये ओडीआई करने की परमिशन देते हैं। नेक्स्ट, आपने अपने बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज, गवर्निंग बॉडी, मैनेजमेंट कमेटी, एग्जीक्यूटिव कमेटी की अप्रूवल ले ली है। नेक्स्ट, अगर मान लीजिए कोई स्पेशल लाइसेंस या परमिशन चाहिए था किसी कंसर्न मिनिस्ट्री से, तो वो आपने ले लिया है एडी के थ्रू, एप्लीकेशन मूव करके आप वो परमिशन वगैरह ले चुके हैं। तो हमारे देश के ट्रस्ट या सोसाइटी, विदेशों में लोकेटेड ट्रस्ट या सोसाइटी के अंदर ओडीआई कर सकते हैं। उसके बाद हम करते हैं ओवरसीज इन्वेस्टमेंट बाय द म्यूचुअल फंड, वेंचर कैपिटल फंड, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड, क्या ये भी विदेशों में ओवरसीज इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? हाँ, ध्यान रखिएगा, एमसीक्यू पर्पस से रेलेवेंट है ये। अगर लोग करना चाहते हैं तो इनकी जो ओवरऑल लिमिट है इन्वेस्टमेंट के लिए, ये आरबीआई डिसाइड करेगा इन कंसल्टेशन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। और जो इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट की लिमिट है इनकी, मतलब पूरे साल में कितना कर सकते हो, ये एक एंटिटी में कितना कर सकते हो, वो डिसाइड करेगा सेबी। ये ध्यान रखना, एमसीक्यू पर्पस से रेलेवेंट है। आगे दूसरी बात, कोई भी ट्रांजैक्शन होगी जो ये फंड्स करना चाहते हैं फॉरेन सिक्योरिटी से रिलेटेड, ये एडी बैंक इन इंडिया के थ्रू ही रूट होगी। अगली बात, कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाहते हो, म्यूचुअल फंड, वेंचर फंड, अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड, तो उसे मैं ओपीआई मानूंगा। क्या मानूंगा? ओपीआई। तो ये सारे पॉइंट बहुत ही रेलेवेंट हैं, ये सारे पॉइंट जितने आपने पढ़े ये रेलेवेंट है एमसीक्यू पर्पस से। फिर आता है ओपनिंग ऑफ डीमैट अकाउंट बाय क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज एंड द क्लियरिंग मेंबर्स। अब सबसे पहले समझना कि क्लियरिंग कॉर्पोरेशन क्या होते हैं। हाँ जी, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन क्या होते हैं? देखो जी, जब आप डीमैट वगैरह के अंदर शेयर खरीदते हो तो आज के डेट में T+1 डे के अंदर आपके अकाउंट में शेयर आ जाते हैं। सिमिलरली आपके अकाउंट से पैसे भी कट जाते हैं। अगर आप सेलर हो, आपके अकाउंट से शेयर कट के आपके अकाउंट में पैसे T+1 डेज में आ जाते हैं। बायर के रूप में T+1 डेज में शेयर आ जाएंगे, सेलर के रूप में T+1 डे में पैसा आ जाएगा। बट ये पैसे का मूवमेंट और शेयर्स का मूवमेंट कौन करता है? हमारी दोनों स्टॉक एक्सचेंज, बड़ी वाली बॉम्बे हो या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो, दोनों के क्लियरिंग कॉर्पोरेशन है। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन मतलब साफ सफाई वाली संस्थाएं, इनका काम होता है साफ सफाई करना, इधर से उधर, उधर से इधर पैसे और शेयर्स का मूवमेंट करना। ये क्लियरिंग कॉर्पोरेशन इन दोनों बीएससी और एनएससी दोनों की फुली होली ओन सब्सिडरी कंपनीज हैं जो ये काम करती हैं। अब एक दिक्कत आती है इंट्राडे ट्रेडिंग में। जब मैं इंट्राडे ट्रेडिंग करता हूँ ना, तो मेरे अकाउंट में अगर 100 रुपये हैं तो मैं 500 रुपये तक भी कर सकता हूँ। इनफैक्ट कई ब्रोकर तो 1000 रुपये तक भी अलाउ करते हैं, यानी कि 10 टाइम का मार्जिन, 5 टाइप का मार्जिन, 2 टाइम का मार्जिन, अलग अलग डिपेंड करता है। ठीक है, तो से फॉर एग्जांपल मैंने अपने अकाउंट में 1000 करोड़ रखा, तो मैं 5000 करोड़ रुपए तक के शेयर एक दिन में खरीद के बेच सकता हूँ। इसे कहते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। ठीक है, अगर सपोज मैंने 1000 करोड़ रुपए अपने पास रखा हुआ है और मैंने 5000 करोड़ के शेयर खरीद लिए, ऐसा झटका लगा, मुझे लगा था 4 जून को 400 पार की सरकार होगी, बट वो नहीं बनी 300 के भी। तो अब मेरे जो 5000 करोड़ मैंने खरीदे थे, शेयर खरीदे थे, 1000 करोड़ रख के 5000 करोड़ के शेयर खरीदे थे, वो रह गए केवल 2000 करोड़, 3000 करोड़ का फटका लग गया मुझे। अब क्या होगा? तो भैया ऐसे में क्लियरिंग कॉर्पोरेशन कहता है कि हम तुझे ज़्यादा डीलिंग करने नहीं देंगे भाई, फॉरेन प्लेयर, अगर तू करना चाहता है तो पहले हमारे पास सिक्योरिटी रखवा, पहले तो सिक्योरिटी रखवा। तो अब होता क्या है कि अगर मान लीजिए कोई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है, वो इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता है, इंट्राडे वगैरह में इन्वेस्ट करना चाहता है, तो पहले सिक्योरिटी रखवानी पड़ेगी विद द क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। अच्छा, ये सिक्योरिटी कहाँ पे रखवाएगा? ये सिक्योरिटी रखवाएगा अपने किसी फॉरेन डिपॉजिटरी के पास रखवा देगा। फॉरेन डिपॉजिटरी के अकाउंट में डीमैट अकाउंट ओपन करके वहां पर सिक्योरिटी रखवा दी गई। अब हो गया लॉस। लॉस होने पर क्लियरिंग कॉर्पोरेशन उन सिक्योरिटीज को बेच देगा
बेचने के बाद वो सारा पैसा इंडिया में वापस ले आएगा, यानी कि दूसरे शब्दों में क्या क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के पास अधिकार है कि वो फॉरेन सिक्योरिटी को सेल कर सकता है? हाँ, वो यहां पर अधिकार है, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन को मिला हुआ है, ठीक हो गया इस केस में। सिमिलरली 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 एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ फॉरेन सिक्योरिटी बाय द डोमेस्टिक डिपॉजिटरी, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया स्टैंडर्ड चार्टर्ड, स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने इंडिया में आईडीआर इशू किया, जब उसने आईडीआर इशू किया स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने, तो क्या हुआ, अब इंडियन इन्वेस्टर्स ने स्टैंडर्ड चार्टर्ड के शेयर्स में इन्वेस्ट नहीं किया, उन्हें क्या मिला है, आईडीआर मिला है। अच्छा, कैसे मिला है, ये रहे इंडियन इन्वेस्टर्स, इंडियन इन्वेस्टर्स ने पैसा दिया होगा हमारे देश के किसी डोमेस्टिक डिपॉजिटरी को, डोमेस्टिक डिपॉजिटरी को इन्होंने पैसा दिया और डोमेस्टिक डिपॉजिटरी ने इन्हें बदले में इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट दी। अब आज की डेट में पैसा किसके पास पड़ा है, डोमेस्टिक डिपॉजिटरी के पास। अब बदले में स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने वहां शेयर्स इशू किए थे, जो शेयर्स इशू किए थे वो किसके पोजिशन में आ जाएंगे, डोमेस्टिक डिपॉजिटरी सारे शेयर्स अपने पास रखेगा स्टैंडर्ड चार्टर्ड के। स्टैंडर्ड चार्टर्ड कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का बैंक है, तो उसके द्वारा इशू की गई सिक्योरिटी फॉरेन सिक्योरिटी है, तो वो फॉरेन सिक्योरिटी किसके पास पड़ी है, डोमेस्टिक डिपॉजिटरी, डोमेस्टिक डिपॉजिटरी के पास कहाँ से पैसा आया, इंडियन इन्वेस्टर्स, इंडियन इन्वेस्टर्स के पास बदले में क्या है, डिपॉजिटरी रिसिप्ट है, क्योंकि इन्होंने इसको पैसा दिया और ये जो डिपॉजिटरी है अब इनके हितों का ध्यान रखेगा, यानी कि इनके बिहाफ पर ये इनके हितों का ध्यान रखेगा, इंडियन इन्वेस्टर्स के हितों का ध्यान रखेगा, ठीक है। अब क्या ये डोमेस्टिक डिपॉजिटरी कभी फॉरेन सिक्योरिटी को बेच सकता है, बेच सकता है। मान लीजिए कोई इंडियन इन्वेस्टर कहता है जी मुझे तो शेयर ही चाहिए, तो डोमेस्टिक डिपॉजिटरी के पास जाएगा और अपना इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट सरेंडर करेगा और बदले में फॉरेन सिक्योरिटी ले लेगा। अब तो इस तरीके से कहते हैं डोमेस्टिक डिपॉजिटरी ने फॉरेन सिक्योरिटी बेच दी या ट्रांसफर कर दी, फिर इंडियन इन्वेस्टर्स अब डायरेक्टली शेयर होल्डर बन चुका है स्टैंडर्ड चार्टर्ड का, यानी कि डायरेक्टली उसके पास फॉरेन सिक्योरिटी आ चुकी है, तो इंडियन डिपॉजिट इंडियन इन्वेस्टर भी उसे बेच सकता है, बेच सकता है। तो यानी कि यही लिखा हुआ है, डोमेस्टिक डिपॉजिटरी भी बेच सकता है और इंडियन डिपॉजिटर्स भी बेच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अलाउ है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ फॉरेन सिक्योरिटी बाय द एडी बैंक। देखो जी, एडी बैंक अगर आपकी कोई ओवरसीज ब्रांच वगैरह है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप एक्वायर करना चाहते हैं कोई फॉरेन सिक्योरिटी इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ द होस्ट कंट्री, होस्ट कंट्री की कोई टर्म्स एंड कंडीशन है, उन कंडीशंस को के पूरा करने के लिए अगर आप मान लीजिए कोई भी फॉरेन सिक्योरिटी एक्वायर करते हैं इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ इट्स बिजनेस, वी डोंट हैव एनी इशू, आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। अब हम आते हैं शेड्यूल पांच पर। शेड्यूल पांच कहता है ओवरसीज इन्वेस्टमेंट इन आईएफएससी बाय द पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। अब आईएफएससी में इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, तो कहता है अगर आईएफएससी में इन्वेस्ट करना चाहते हो पीआरआई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मगर विद इन द लिमिट करोगे। लिमिट कितनी है, फॉरन फाइनेंशियल कमिटमेंट के लिए 4x नेटवर्क और ओपीआई के लिए 50% ऑफ नेटवर्क, तो ये लिमिट है, इसको कंप्लाई करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर कोई पीआरआई ओवरसीज इन्वेस्टमेंट करना चाहता है आईएफएससी में, तो जो भी चीजें शेड्यूल 1, 2, 3, 4 में लिखी हुई हैं उन सबका तो पालन करना ही करना पड़ेगा, बट कुछ एक्सेप्शन है। पहली बात, अगर मान लीजिए ओडीआई होने वाली है, कहां पर, आईएफएससी के अंदर ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो आपको फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर की अप्रूवल चाहिए। कितने दिन में आनी चाहिए फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर की अप्रूवल, वहां पे भी देखा था आपने शेड्यूल वन में कि आपको ऐसा करने से पहले, कोई भी एक्विजिशन करने से पहले फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर की अप्रूवल चाहिए, बट वहां टाइम लिमिट नहीं लिखी हुई थी कि फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर कितने टाइम में आपको अप्रूवल देगा, बट यहां लिखा हुआ कहता 45 दिन, और 45 दिन में नहीं मिला तो हम डीम्ड अप्रूवल मान लेंगे आईएफएससी की इन्वेस्टमेंट में, ठीक है जी। फिर याद करो जी, इंडियन एंटिटी जो कि फाइनेंशियल सेक्टर एक्टिविटी में नहीं लगी हुई, वो ओडीआई करना चाहती है किसी फॉरेन एंटिटी में जो कि फाइनेंशियल सर्विस एक्टिविटी में लगी हुई है, एक्सेप्ट बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, उनको छोड़कर, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस को छोड़कर किसी एफएसए में लगी हुई है, ठीक है जी। तो याद करो, हमने शेड्यूल वन के अंदर किया था कि आप ऐसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, कर सकते हो, नेट प्रॉफिट का क्राइटेरिया था, परंतु अगर आप आईएफएससी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो फिर नेट प्रॉफिट का क्राइटेरिया भी नहीं लगेगा आप पर, ठीक है। आगे फिर याद करो, पीआरआई कंट्रीब्यूशन करना चाहता है किसी भी इन्वेस्टमेंट फंड के अंदर जो कि सेटअप हुआ है इन आईएफएससी, तो कर सकता है वो ओपीआई की फॉर्म में, यानी कि कोई भी पीआरआई कंट्रीब्यूशन किसी इन्वेस्टमेंट फंड में करना चाहता है जो इन्वेस्टमेंट फंड आईएफएससी में है, तो वो ओपीआई की फॉर्म में कर सकता है। उसके बाद याद करो रेजिडेंट इंडिविजुअल का एग्जाम्पल। हाँ जी, रेजिडेंट इंडिविजुअल किसी फॉरेन एंटिटी में इन्वेस्ट करना चाहता है, ओडीआई करना चाहता है, अच्छा वो फाइनेंशियल सर्विस एक्टिविटीज में अगर मान लीजिए लगी हुई है,
तो भी इन्वेस्ट कर सकता है, हाँ कर सकता है, प्रोवाइडेड वो बैंकिंग और इंश्योरेंस के अंदर नहीं होनी चाहिए, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस में नहीं होनी चाहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर जितनी भी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज जो कि IFSC में होंगी उन्हें मैं क्या कहूंगा, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज आउटसाइड इंडिया कहलाएंगी वो सब के सब। तो यहां पर हमारे सारे के सारे IFSC से रिलेटेड रूल्स हो गए खत्म। अब हम आते हैं ओवरसीज इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड रेगुलेशंस पर। रेगुलेशन का मतलब है कि जो भी अब मैं बोलने जा रहा हूं ये सब किसने बनाया होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बनाया। तो चलो जी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या कहता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पहले फाइनेंशियल कमिटमेंट के बारे में, इंडियन एंटिटी के द्वारा फाइनेंशियल कमिटमेंट के बारे में क्या कहता है, अदर देन इक्विटी। अदर देन इक्विटी मतलब भाई इक्विटी से रिलेटेड बातें तो ऊपर रूल्स में हो गई ना। रूल्स कौन बनाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो मैंने कहा था सेंट्रल गवर्नमेंट इक्विटी से रिलेटेड तो बना सकते हैं, डेट से रिलेटेड RBI बनाएगा। तो इसलिए इक्विटी से रिलेटेड बातें रूल्स में हो गई, अब डेट से रिलेटेड बातें कहां करेंगे, रेगुलेशंस में। ऊपर बार बार तभी हम कह रहे थे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो फॉरेन एंटिटी के अंदर इक्विटी की फॉर्म में, इक्विटी की फॉर्म में बार बार तभी हम कह रहे थे क्योंकि रूल्स हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट सेक्शन 6 सबसेक्शन 2A के अंदर डेट के से रिलेटेड नहीं बनाएगी गाइडलाइंस, केवल इक्विटी से रिलेटेड बनाएगी, डेट से रिलेटेड केवल RBI बना सकता है। तो अब हम उन्हीं रेगुलेशंस पे आ गए। कहता है फाइनेंशियल कमिटमेंट बाय द इंडियन एंटिटी बाय द मोड्स अदर देन द इक्विटी कैपिटल। ओके, ये लो जी, ये है इंडियन एंटिटी, ये लेंड करना चाहती है या इन्वेस्ट करना चाहती है किसी डेट इंस्ट्रूमेंट में किसी फॉरेन एंटिटी के, अच्छा, या फिर एक्सटेंड करना चाहती है नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी। ओके, तो कर सकती है सब्जेक्ट टू द फाइनेंशियल कमिटमेंट की जो लिमिट है यानी कि 4 गुना ऑफ नेटवर्थ, कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। साथ में एक चीज का ध्यान रखना, अगर कोई भी डेट इंस्ट्रूमेंट के अंदर इन्वेस्टमेंट इंडियन एंटिटी करना चाहती है तो कर सकती है, कोई दिक्कत तो नहीं है मुझे। मगर एक और बात है, लोन एग्रीमेंट प्रॉपर होना चाहिए, दोबारा बोल दूं, प्रॉपर एक लोन एग्रीमेंट होना चाहिए। अगली बात, रेट ऑफ इंटरेस्ट आर्म लेंथ बेसिस पे होना चाहिए, प्लस जो अदर कंडीशन है वो क्या है। अदर कंडीशन ये है कि इंडियन एंटिटी जो है वो एलिजिबल होनी चाहिए ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को करने के लिए। इंडियन एंटिटी एलिजिबल होना चाहिए ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को करने के लिए। दूसरी बात, इंडियन एंटिटी जो है हैज मेड ODI इन द फॉरेन एंटिटी, मतलब ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किसमें कर रहे हो, फॉरेन एंटिटी में कर रहे हो। तीसरा, इंडियन एंटिटी हैज एक्वायर्ड कंट्रोल इन सच फॉरेन एंटिटी एट द टाइम ऑफ मेकिंग सच फाइनेंशियल कमिटमेंट, यानी कि इंडियन एंटिटी का कंट्रोल भी है, इंडियन एंटिटी के पास कंट्रोल भी है जब ये इस तरीके की आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो डेट इंस्ट्रूमेंट के अंदर, तो कर तो सकते हो, फाइनेंशियल कमिटमेंट में भी कंसीडर्ड होगा, परंतु शर्त ये है कि आप ODI कर रहे हो, ODI फॉरेन एंटिटी में कर रहे हो और साथ में कंट्रोल भी ले रहे हो, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, फाइनेंशियल कमिटमेंट बाय द वे ऑफ गारंटी, यानी कि इंडियन एंटिटी अगर फॉरेन एंटिटी के बिहाफ पर गारंटी इशू कर रही है नॉन फंड बेस्ड लिमिट, ठीक है, तो गारंटी अपनी भी दे सकते हो यानी कि कॉर्पोरेट गारंटी, या फिर परफॉर्मेंस गारंटी के रूप में भी दे सकते हो। परफॉर्मेंस गारंटी का मतलब नॉर्मली कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में होती है कि ये जो सड़क बनानी है ना, तो ये बना देगा, चिंता मत करो, और ना बना पाए तो हम गारंटी ले रहे हैं, ठीक है। चले, तो कॉर्पोरेट गारंटी हो या परफॉर्मेंस गारंटी हो, वो इंडियन एंटिटी अपनी ग्रुप एंटिटी के, ग्रुप कंपनी के द्वारा भी दिलवा सकती है जो कि होल्डिंग कंपनी हो। अब यहाँ होल्डिंग कंपनी का मतलब है जो होल्ड करता है कम से कम 51% स्टेक इन द इंडियन एंटिटी, ध्यान रखना। होल्डिंग नॉर्मली तब बनते हो जब मोर देन 50 होता है, बट यहाँ पे 51% स्टेक है। लॉ मेकर के दिमाग में पता नहीं क्या फितूर आया, यहाँ लिख दिया 51% वाली ग्रुप कंपनी जो होगी उसके थ्रू भी आप करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, उसे मैं ग्रुप कंपनी मानूंगा, ध्यान रखना। फिर सिमिलरली आप अपनी सब्सिडरी के थ्रू भी कॉर्पोरेट गारंटी और परफॉर्मेंस गारंटी किसी फॉरेन एंटिटी के लिए दिलवा सकते हो। सब्सिडरी वो होगी जिसमें इंडियन एंटिटी कम से कम 51% स्टेक रखती है। फिर आप किसी अपने प्रमोटर की ग्रुप कंपनी के थ्रू भी, जो कि बॉडी कॉर्पोरेट है, उसके थ्रू भी आप गारंटी वगैरह दिलवा सकते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपके जो प्रमोटर हैं जो कि रेजिडेंट हैं, आप उनकी भी पर्सनल गारंटी इंडियन एंटिटी करवा सकती है अरेंज, किसे, फॉरेन एंटिटी के लिए करवा सकते हो अरेंज, हमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप अपनी फॉरेन एंटिटी के लिए बैंक गारंटी भी अरेंज करवा सकते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। साथ में बैंक को काउंटर गारंटी दे देना या फिर कोलेटरल मतलब सिक्योरिटी वगैरह दे देना अभी इस बैंक गारंटी के बदले में, हमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगर मान लीजिए गारंटी एक्सटेंड की जाती है ग्रुप कंपनी के द्वारा यानी कि होल्डिंग या सब्सिडरी कंपनी के द्वारा, तो ये किसकी फाइनेंशियल कमिटमेंट की लिमिट में आएगा, होल्डिंग या सब्सिडरी की फाइनेंशियल कमिटमेंट में आएगा, इंडियन एंटिटी की नहीं, ध्यान रखना। दूसरी बात, अगर रेजिडेंट इंडिविजुअल जो कि प्रमोटर था
अगर उसने गारंटी दी है, रेजिडेंट इंडिविजुअल ने पर्सनल गारंटी दी है, तो फिर ये इंडियन एंटिटी की फाइनेंशियल कमिटमेंट की लिमिट में आएगा, ध्यान रखना। उसके बाद गारंटी कभी भी ओपन एंडेड नहीं होनी चाहिए, मतलब अनलिमिटेड गारंटी नहीं दे सकते, गारंटी की कोई लिमिट जरूर होनी चाहिए कि हम गारंटी यहां तक दे रहे हैं, इस अमाउंट तक की गारंटी है, ओपन एंडेड नहीं होगी कि अनलिमिटेड गारंटी, ऐसा नहीं होगा। उसके बाद गारंटी अगर इन्वोक्ड हो जाती है, जैसे ही गारंटी इन्वोक्ड हुई तो पैसे के मूवमेंट होगा, तो जैसे ही वो इन्वोक्ड हुई तो अब वो क्या बन जाएगी, डेट यानी कि लेंडिंग कंसीडर की जाएगी, तो यानी कि वो नॉन फंड का पार्ट अब नहीं रहेगी, अब वो लेंडिंग में कन्वर्ट हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड कन्वर्जन ऑफ नॉन फंड इनटू फंड बेस्ड, ठीक है जी। अगर मान लीजिए गारंटी जी आती है जॉइंटली एंड सिवियरली बाय टू और मोर एंटिटीज, तो फिर 100 करोड़ की आपने गारंटी दी है तो पूरा आपकी 100% आपकी फाइनेंशियल कमिटमेंट की लिमिट के अंदर आएगा, यानी कि 100% शैल बी रेकन टुवर्ड द इंडिविजुअल लिमिट ऑफ ईच ऑफ द इंडियन सब्सिडियरी। मान लीजिए 200 करोड़ की टोटल आपने गारंटी दी है, दो एंटिटीज ने मिलकर टोटल मिलाकर 200 करोड़ की गारंटी दी है, 200 करोड़ दोनों के फाइनेंशियल कमिटमेंट में आएगा, ध्यान रखना। आगे परफॉर्मेंस गारंटी के केस में मैं फाइनेंशियल कमिटमेंट में कितना जोड़ूंगा, 50% जो आपने गारंटी दी है, और बाकियों में 100% जोड़ूंगा। रोल ओवर, अब इसका मतलब बताता हूँ, रोल ओवर यानी कि रिन्यूअल अगर हो रहा है गारंटी का, तो वो फाइनेंशियल कमिटमेंट की लिमिट में नहीं आएगा, क्योंकि नई गारंटी थोड़े ना, वो तो केवल रिन्यूअल हो रहा है। अब ये परफॉर्मेंस गारंटी में 50%, बाकियों में 100% का मतलब क्या है, देखिएगा। मैंने कहा जी गारंटी आपने दी है 100% और साथ में परफॉर्मेंस गारंटी, इसे मैं कंसिडर करता हूँ 50%, कितना कंसिडर करता हूँ 50%। अब इसका मतलब समझिएगा, ए लिमिटेड की नेटवर्थ है 10 करोड़, ओडीआई इसने कर दी है 2 करोड़ रुपए की, अब कॉर्पोरेट गारंटी 20 करोड़ की दी है, परफॉर्मेंस गारंटी 20 करोड़ की दी है, लिमिट कितनी निकली, लिमिट है जी 4 नेटवर्थ, नेटवर्थ का 4 गुना, मतलब कितनी निकली, 40 करोड़ की इसकी लिमिट निकली है, किसकी, फाइनेंशियल कमिटमेंट की। ये कितनी कर चुका है, 2 प्लस कॉर्पोरेट गारंटी को 100% कंसीडर करता हूं तो हो गया 20, प्लस परफॉर्मेंस गारंटी को 50% कंसीडर करता हूं यानी कि 10, तो 10 प्लस 20 प्लस 2 यानी कि 32 करोड़, यानी कि अभी भी इसकी एलिजिबिलिटी रहती है, कुछ रहती है, अभी भी ये फाइनेंशियल कमिटमेंट और कर सकता है। परफॉर्मेंस गारंटी को 50% इसलिए कंसीडर करता हूं तो, क्योंकि ऑब्वियसली आपने अगले की परफॉर्मेंस के लिए गारंटी दी है, तो ये तो पक्की बात है ना, कुछ बंदा परफॉर्म करके ही डिफॉल्ट करेगा, तो एवरेज मैंने कहा जी 50% तो परफॉर्म करेगा ही ना, तब डिफॉल्ट करेगा, तो इसलिए उसकी वैल्यू में 50% मानता हूं। आगे फिर फाइनेंशियल कमिटमेंट बाय द वे ऑफ प्लेज और चार्ज, देखो जी इंडियन एंटिटी है, इसने ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की है बाय द वे ऑफ इक्विटी इन फॉरेन एंटिटी या फिर उसके स्टेप डाउन सब्सिडरी में, ओडीआई किया है बाय द वे ऑफ इक्विटी, ठीक है जी। अब हुआ क्या, क्या ये जो इक्विटी है आप इसको प्लेज करके लोन रेज कर सकते हो, हाँ कर सकते हो, कहां पे इक्विटी आपकी, फॉरेन एंटिटी में या उसके स्टेप डाउन सब्सिडरी में, आप इसे प्लेज कर दो किसी ऑथराइज डीलर को, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, या इनफैक्ट ओवरसीज लेंडर को भी, ओके अपने लिए भी पैसा उठा सकते हो, अपनी फॉरेन एंटिटी के लिए भी उठा सकते हो, या उसकी स्टेप डाउन सब्सिडरी के लिए भी उठा सकते हो। प्लस पैसा कैसे उठा सकते हो, फंड बेस्ड लिमिट भी उठा सकते हो या फिर नॉन फंड बेस्ड लिमिट भी उठा सकते हो। सिमिलरली आप इसे प्लेज कर सकते हो किसी डिबेंचर ट्रस्टी को भी, डिबेंचर ट्रस्टी आएंगे तो पैसा डिबेंचर की फॉर्म में आ गया, यानी कि फंड बेस्ड पैसा आएगा, यस ओनली फंड बेस्ड, मगर फिर अपने लिए, ओनली फॉर इटसेल्फ, अपनी फॉरेन सब्सिडरी या फिर स्टेप डाउन सब्सिडरी के लिए नहीं, केवल अपने लिए आप डिबेंचर ट्रस्टी के थ्रू पैसा उठा सकते हो, ठीक है जी। तो आपके द्वारा की गई इक्विटी इन्वेस्टमेंट को आप प्लेज कर सकते हो। सिमिलरली अगर आप मान लीजिए आप फॉरेन इक्विटी प्लेज नहीं करना चाहते, आप अपनी एसेट्स को चार्ज क्रिएट करवाना चाहते हो या अपनी फॉरेन एंटिटी की एसेट्स पे चार्ज क्रिएट करवाना चाहते हो, कर सकते हो, यस। तो कहता है जी इंडियन एंटिटी जिसने ओडीआई की है इक्विटी की फॉर्म में फॉरेन एंटिटी के अंदर, अब वो चार्ज क्रिएट करना चाहता है किसके ऊपर, एसेट्स के ऊपर इन इंडिया या फिर एसेट्स आउटसाइड इंडिया, फॉरेन एंटिटी की या फिर उसकी स्टेप डाउन सब्सिडरी की, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप एसेट्स इन इंडिया पे चार्ज क्रिएट करना चाहते हो तो किसके ऊपर कर सकते हो, अपने ऊपर, बिल्कुल ठीक, किसी ग्रुप कंपनी के ऊपर, बिल्कुल ठीक, एसोसिएट कंपनी के ऊपर, बिल्कुल ठीक, प्रमोटर के ऊपर, बिल्कुल ठीक, इन सब की एसेट के ऊपर चार्ज क्रिएट कर सकते हो, यस। अच्छा चार्ज किसे क्रिएट कर सकते हो, किसी ऑथराइज्ड डीलर को, किसी पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को या किसी ओवरसीज लेंडर को,
क्या ले सकते हो, फंड बेस्ड लिमिट भी ले सकते हो, नॉन फंड बेस्ड लिमिट भी ले सकते हो, किसके लिए ले सकते हो, किसी फॉरेन एंटिटी के लिए भी ले सकते हो या स्टेप डाउन सब्सिडियरी के लिए भी ले सकते हो, ठीक है जी। अपनी एसेट गिरवी रखवाई, उनके लिए लोन लिया, फिर उनकी एसेट गिरवी रखवाई, किसको, ऑथराइज डीलर को या पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, और अपने लिए लोन लिया है फंड बेस्ड या नॉन फंड बेस्ड, या फिर डिबेंचर ट्रस्टी को गिरवी रखवाई और फंड बेस्ड लोन लिया है अपने लिए, अपने लिए, ध्यान रखना आप ये भी कर सकते हो, हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक हो गई थी बात, चलिए फाइनेंशियल कमिटमेंट में क्या मानूंगा मैं, कहता जी वैल्यू ऑफ द प्लेज और चार्ज और द अमाउंट ऑफ द फैसिलिटी विच एवर इज लेस, यानी कि जो चार्ज की वैल्यू होगी, जो वैल्यू ऑफ द एसेट होगी, या फिर अमाउंट ऑफ लोन विच एवर इज लेस, वो फाइनेंशियल कमिटमेंट की लिमिट में कंसिडर किया जाएगा। मतलब वैल्यू ऑफ प्लेज यानी कि एसेट की वैल्यू और जो लिमिट मिली है विच एवर इज लेस, ये आपके फाइनेंशियल कमिटमेंट की लिमिट में कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट कहता है जी एक्सक्लूडिंग द केसेस, फाइनेंशियल कमिटमेंट में मैं कंसिडर नहीं करूंगा, अगर मान लीजिए आपने लोन का पैसा किस लिए यूज किया है, आपने खुद के लिए यूज किया, यानी कि डिबेंचर ट्रस्टी के थ्रू पैसा यूज रेज किया है या फिर कोई भी लोन वगैरह के रूप में रेस किया, मगर अपने लिए कर रहे हो, तो मैं फाइनेंशियल कमिटमेंट में नहीं मानूंगा, क्योंकि फाइनेंशियल कमिटमेंट तो आउटसाइड इंडिया होता है ना। सिमिलरली अगर मान लीजिए आपने कोई बिड बॉन्ड गारंटी दी है, तो वो भी फाइनेंशियल कमिटमेंट में नहीं आएगा। सिमिलरली अगर कोई नेगेटिव चार्ज क्रिएट किया है, तो वो भी फाइनेंशियल कमिटमेंट की लिमिट में नहीं आएगा। नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है कि मैं जो चार्ज क्रिएट करवा रहा हूं, इसके बाद इस एसेट पे कोई भी चार्ज क्रिएट नहीं होगा, दिस इज कॉल्ड नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज फाइनेंशियल कमिटमेंट में नहीं कंसिडर्ड होगा। दूसरी बात, बिड बॉन्ड गारंटी का मतलब होता है कि मान लीजिए आपको कोई प्रोजेक्ट जीतना है, तो उसके लिए आप कोई अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट कराते हो, या तो ऑप्शन नंबर वन है, या फिर एक बिड बॉन्ड गारंटी भी दे सकते हो, बिड देने वाली गारंटी, इसे बिड बॉन्ड गारंटी भी कहते हैं, ये भी फाइनेंशियल कमिटमेंट में कंसिडर्ड नहीं की जाती है कभी भी। तो एक्विजिशन और ट्रांसफर बाय द वे ऑफ डेफर्ड पेमेंट, अच्छा डेफर्ड पेमेंट, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई पीआरआई, अगर मान लीजिए इक्विटी ले रहा है किसी पीआरओआई से, किसी पीआरओआई से इक्विटी ले रहा है, परचेज कर रहा है या सब्सक्राइब कर रहा है किसी पीआरओआई की इक्विटी वगैरह, या फिर उल्टा कर दो, पीआरओआई इक्विटी एक्वायर कर रहा है किसी पीआरआई से, ओके जो भी हो, कंसिडरेशन जो है ना वो आज नहीं है, वो फ्यूचर में दिया जाएगा, मतलब डेफर्ड है, अलाउ है, अलाउ है, कुछ कंडीशन है, क्या कि जो फॉरेन इक्विटी सिक्योरिटी है उनका ट्रांसफर अपफ्रंट हो रहा है आज ही, कंसिडरेशन बाद में आ रहा ना, फॉरेन सिक्योरिटी आज ही जा रही है, पूरा कंसिडरेशन एज पर द प्राइसिंग गाइडलाइंस पे किया जाएगा, यानी कि रेगुलेटर यानी कि वैल्यूअर की वैल्यूएशन रिपोर्ट आएंगी। तीसरा, बायर को इंडेमनीफाई किया जाएगा सेलर के द्वारा, सेलर बायर को इंडेमनीफाई करके देगा, ठीक है कि भाई ये सिक्योरिटी जेन्युइन है, कोई फ्रॉड की संभावना नहीं है, कुछ नहीं है, इंडेमनीफाई करके देगा। डेफर्ड पार्ट ऑफ द पेमेंट जो है उसे मैं क्या कंसीडर करूंगा, अब ये बड़ी अजीब बात है, एमसीक्यू पर्पस से रेलेवेंट है, जो भी डेफर्ड पोर्शन है कंसिडरेशन का, उसे मैं क्या कंसिडर करूंगा, नॉन फंड बेस्ड लिमिट में कंसिडर करूंगा इंडियन एंटिटी की। इतनी बात भी ठीक, आगे कहता कोई भी पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, अगर मान लीजिए कोई भी ओवरसीज इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, कोई भी ओवरसीज इन्वेस्टमेंट, तो कैसे कैसे कर सकता है, रेमिटेंस बैंकिंग चैनल वगैरह के थ्रू कर सकता है, अगर विदेशों में पैसा लगाना चाह रहा है कैसे लगा सकता है, स्वैप ऑफ सिक्योरिटी, एडीआर जीडीआर या फिर ईसीबी की प्रोसीड्स वहां पे लगा सकता है, फ्रॉम फंड हेल्ड इन द अकाउंट मेंटेन इन अकॉर्डेंस विद द सेक्ट, सेक्ट के अकॉर्डिंग डिफरेंट अकाउंट्स वगैरह के थ्रू भी पैसा लगा सकते हो, यस। तो ये तरीके हैं जिससे आप ओवरसीज इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, उनकी पेमेंट कर सकते हो। उसके बाद बस यहाँ पे टेक्निकल पोर्शन तो खत्म, अब केवल कंप्लायंस पोर्शन आ रहा है, रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट की बात करता है। कहता है मान लीजिए पीआरआई, इसने कोई इक्विटी शेयर एक्वायर किया है एज अ ओडीआई, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, कहाँ पे, फॉरेन एंटिटी के अंदर, अच्छा। अब ये एडी कैटेगरी एडी बैंक को सबमिशन करेगा उस इन्वेस्टमेंट का प्रूफ, क्या होगा, या तो शेयर सर्टिफिकेट या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट, कितने टाइम में सबमिट कर देना चाहिए, एविडेंस के रूप में विद इन 6 मंथ, कहां से, जिस दिन आपने अमाउंट रेमिट किया, या फिर जिस दिन आपको कन्वर्जन होके, मतलब कैपिटलाइज होके बोनस वगैरह के फॉर्म में भी आए शेयर्स, वहां से 6 महीने के अंदर आप एडी बैंक को इस बात का प्रूफ जमा कर दीजिए, ठीक है जी। दूसरी बात, पीआरआई
अगर आप किसी भी फॉरेन एंटिटी में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो सबसे पहले आप जाएंगे एडी के पास, ऑथराइज डीलर के पास। ऑथराइज डीलर आपकी एप्लीकेशन को आगे लेके जाएगा आरबीआई के पास, फिर आरबीआई उस फॉरेन एंटिटी को जहां पे इन्वेस्ट करना चाहते हो उसे एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर अलॉट करेगा फॉरेन एंटिटी को, ठीक है जी। अब यूनिक आइडेंटिटी नंबर आने के बाद ही आप उसमें जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो कर सकते हो, ठीक है जी। अब पीआरआई, आज के बाद ओडीआई करते हुए, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हुए डेजिग्नेट करेगा किसी एडी बैंक को कि मैं ओडीआई इस फॉरेन एंटिटी में इस एडी बैंक के थ्रू करूंगा, ठीक है। और हर यूआईएन नंबर के लिए एक एडी डेजिग्नेट होगा। फॉर एग्जांपल अगर विदेशों में अगर कोई फॉरेन एंटिटी है मान लीजिए एक्स वाई जेड, तो फिर वहां पे उसको एक यूआईएन मिला हुआ है, उस यूआईएन के लिए जो एडी है वो है आईसीआईसीआई बैंक। आज के बाद उस यूआईएन पे जितनी भी इन्वेस्टमेंट होंगी सब आईसीआईसीआई बैंक के थ्रू ही रूट होंगी, ठीक है। वे आर मोर देन वन पी आर आई मेक फाइनेंशियल कमिटमेंट इन द सेम फॉरेन एंटिटी देन ऑल सच पर्सन शैल रूट all the transaction relating to that UIN through the AD bank designated for that UIN. उस UIN पे, उस foreign entity पे जितनी भी investment होनी है वो उसी designated AD के through होनी चाहिए जहां जो पहले designate हुआ था, चाहे कोई भी और Indian entity करना चाहे, ठीक है जी। Next point, ये PRI है, ये एक foreign entity है। अगर मान लीजिए PRI जो उसने ODI किया है foreign entity में वो रियलाइज करना चाहता है और पैसा अब इंडिया में लाना चाहता है क्योंकि डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है या फिर अब उसका लिक्विडेशन हो रहा है फॉरेन एंटिटी का, तो फिर वो वैल्यू अब नेट रिसीवेबल वैल्यू उसकी मिलनी है, जो भी बचा खुचा मिलना है आपको, जो भी मिलना है 90 दिन के अंदर इंडिया में जरूर ले आना। कितने दिन में? 90 days में इंडिया में जरूर ले आना, ठीक है जी। और आगे बढ़ते हैं, फिर कहता है PRI जो भी एलिजिबल होंगे PRI ODI करने के लिए, ओके, वो अर्नेस्ट मनी या फिर बिड बॉन्ड गारंटी दे सकते हैं फ्रॉम एन एडी बैंक फॉर पार्टिसिपेशन इन द बिडिंग और टेंडरिंग प्रोसेस। किसी भी एक्विजिशन में किसी फॉरेन एंटिटी को एक्वायर करने के लिए अगर कोई बिड बॉन्ड गारंटी आपको जमा करनी पड़ती है आप दे सकते हो, बिड बॉन्ड गारंटी दे सकते हो, ठीक है। अब बिड बॉन्ड गारंटी हमेशा ओपन एंडेड होती है, ध्यान रखना, बिड बॉन्ड गारंटी ओपन एंडेड होती है। हमने सबसे पहले कहा कि ओपन एंडेड गारंटी नहीं दी जाएगी, अब हम पढ़ रहे हैं किसी फॉरेन एंटिटी को एक्वायर करने के लिए ओपन एंडेड गारंटी बिड बॉन्ड के रूप में दी जा सकती है, क्योंकि पता नहीं वहां बोलियां कहां तक जाएंगी। मैं कहूंगा 100 करोड़, सामने वाला कह गया 200 करोड़, मैं कहूंगा 500 करोड़, वो कहेगा 1000 करोड़, मैं कहूंगा 5000 करोड़, तो फिर ये तो बिड बॉन्ड गारंटी है ना, इसकी कोई लिमिट नहीं है। मगर जैसे ही आपने एक्वायर कर ली फॉरेन एंटिटी, तो इन केस ऑफ एन ओपन एंडेड बिड बॉन्ड गारंटी इट शैल बी कन्वर्टेड इनटू क्लोज एंड गारंटी, तो फिर वो क्लोज एंड में कन्वर्ट हो जाएगी कि भाई इतने करोड़ की गारंटी है, ठीक है। मैक्सिमम 3 month के अंदर, नॉट लेटर देन 3 months ऑफ द अवार्ड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जिस दिन आपको कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हुआ है उसके 3 महीने के अंदर ओपन एंडेड गारंटी जो बिड बॉन्ड के रूप में इशू की गई थी वो क्लोज एंड गारंटी में कन्वर्ट हो जाएगी। आगे फिर आते हैं जी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट फॉर द ओवरसीज इन्वेस्टमेंट। ओके, जितनी भी रिपोर्टिंग है PRI के द्वारा वो सारी रूट किसके थ्रू होनी चाहिए? एडी बैंक के द्वारा। और फॉर्मेट कौन प्रोवाइड करेगा? आरबीआई। अगली बात, पीआरआई जिसने भी ओडीआई किया है या फिर फाइनेंशियल कमिटमेंट किया है या फिर डिसइन्वेस्टमेंट कर रहा है फॉरेन एंटिटी में, वो कुछ चीजें रिपोर्ट करेगा ओडीआई पे भी, फाइनेंशियल कमिटमेंट पे भी या फिर डिसइन्वेस्टमेंट पे भी। पहला, फाइनेंशियल कमिटमेंट एट द टाइम ऑफ सेंडिंग द आउटवर्ड रेमिटेंस बताएगा, रिपोर्टिंग करेगा कितना फाइनेंशियल कमिटमेंट जिस टाइम पैसा भेज रहा है उस टाइम या फिर जिस टाइम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उस टाइम, विच एवर इज अर्लियर, बताएगा जी कितना फाइनेंशियल कमिटमेंट करने जा रहा है। दूसरा, डिस इन्वेस्टमेंट विद इन 30 days ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द डिस इन्वेस्टमेंट प्रोसीड्स रिपोर्टिंग कर देना। तीसरा, कोई भी रिस्ट्रक्चरिंग होने पर विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ सच रिस्ट्रक्चरिंग रिपोर्टिंग कर देना। किसको रिपोर्टिंग करनी है? एडी बैंक के थ्रू। किसको रिपोर्ट करना है? आरबीआई को। कोई दिक्कत नहीं? क्लियर हो गई इतनी बात? बढ़ सकते हैं, चले। फिर उसके बाद कहता है जी पीआरआई अदर देन द रेजिडेंट इंडिविजुअल, अगर मान लीजिए आप कोई ओपीआई कर रहे हैं या ट्रांसफर कर रहे हैं ओपीआई को बाय द वे ऑफ सेल, ओके,
तो इसको रिपोर्ट करना पड़ेगा आपको विद इन 60 डेज. रेजिडेंट इंडिविजुअल के केस में क्या होगा देखते हैं, बट फिलहाल पीआरआई अदर देन रेजिडेंट इंडिविजुअल, अगर आप ओपीआई कर रहे हैं या इस ओपीआई को ट्रांसफर कर रहे हैं तो फिर रिपोर्टिंग कब तक होगी, विद इन 60 डेज ऑफ सच इन्वेस्टमेंट. विद इन 60 डेज कहां से, फ्रॉम द एंड ऑफ द हाफ ईयर. हाफ ईयर कौन सा, एक सेप्टेंबर एक मार्च. सेप्टेंबर और मार्च खत्म होने के 60 दिन के अंदर अंदर आपको जितनी भी ओपीआई की है अदर देन रेजिडेंट इंडिविजुअल आपको बताना पड़ेगा. उसके बाद इन केस ऑफ एन ओपीआई बाय द वे ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स अंडर ईसॉप्स, इन केस ऑफ ओपीआई अगर आप कर रहे हैं बाय द वे ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर ईसॉप्स के थ्रू, यानी कि रेजिडेंट इंडिविजुअल पे आ गया, तो रिपोर्टिंग कौन करेगा, वो जो रेजिडेंट इंडिविजुअल है जिसे एम्प्लॉई के रूप में या डायरेक्टर के रूप में ये शेयर मिले, वो उस ओवरसीज एंटिटी के जिस ब्रांच में, जिस सब्सिडरी में, जिस इंडियन एंटिटी में जिसमें वो ओवरसीज एंटिटी की इन्वेस्टमेंट है, वहां जहां वो काम करता है वो करेंगे. रिपोर्टिंग आपका काम नहीं है, यानी कि ऑफिस इन इंडिया, ब्रांच, सब्सिडरी, इंडियन एंटिटी जहां पर उसका कंट्रोल है वो रिपोर्टिंग करेंगे, जहां का वो डायरेक्टर और एम्प्लॉई है. ठीक है ना, लिंक हो रहा है वहां से क्या अभी पढ़ा था. आगे फिर कहता है पीआरआई एक्वायरिंग इक्विटी कैपिटल इन द फॉरेन एंटिटी जो कि ओडीआई कंसीडर्ड की गई है. मान लीजिए पीआरआई ने इक्विटी कैपिटल इन्वेस्ट किया है कहीं फॉरेन एंटिटी में जिसे मैंने ओडीआई माना है, तो वो एक एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट विद रिस्पेक्ट टू सच फॉरेन एंटिटी एवरी ईयर बाय 31 दिसंबर सबमिट करेगा. पीआरआई जिसने कि इक्विटी कैपिटल किसी फॉरेन एंटिटी में इन्वेस्ट की है जिसे मैंने ओडीआई माना है, तो वो एपीआर एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट सबमिट करेगा 31 दिसंबर तक. मगर मान लीजिए ये जो फॉरेन एंटिटी है वेयर द अकाउंटिंग ईयर ऑफ सच फॉरेन एंटिटी वही 31 दिसंबर को खत्म होता है, तो फिर ये जो एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट है ये अगले साल की 31 दिसंबर तक भी जमा की जा सकती है. ठीक है जी, एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट आई एम टॉकिंग अबाउट. फिर कहता है प्रोवाइडेड दैट नो सच रिपोर्टिंग शैल बी रिक्वायर्ड, कोई जरूरत नहीं है अगर पीआरआई 10% से कम होल्ड करता है ऑफ द इक्विटी कैपिटल without control and there is no other FC other than by the way of equity capital. यानी कि अगर आपके पास 10% से कम की equity है, control भी नहीं है और equity के आपने अलावा आपने कोई और investment भी नहीं की है, या फिर foreign entity अगर liquidation में है तो APR वगैरह issue करने की जरूरत नहीं है. उसके बाद for the purpose of this sub-regulation APR जब भी होगी तो उसके 31 दिसंबर तक submit करनी है. उसके अंदर जो data होना चाहिए वो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे बेस्ड होना चाहिए. प्लस मान लीजिए प्रोवाइडेड दैट वेयर द पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया पीआरआई डज नॉट हैव अ कंट्रोल इन द फॉरेन एंटिटी, प्लस लॉ ऑफ द होस्ट कंट्री जो है वो प्रोवाइड करता है मैंडेटरी, मतलब डज नॉट प्रोवाइड फॉर द मैंडेटरी. दोबारा बोलिएगा. मैंने कहा जी पहला एपीआर हमेशा ऑडिटेड फिगर पे होना चाहिए, परंतु अगर मान लीजिए जो पीआरआई है उसका उस फॉरेन एंटिटी पे कंट्रोल नहीं है कि वो वॉलंटरी ऑडिट करा दे. दूसरी बात, लॉ ऑफ होस्ट कंट्री कंपलसरी ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं करता है, तो फिर एपीआर सबमिट की जा सकती है बेस्ड ऑन द अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसे सर्टिफाई कर दिया किया जा सकता है बाय द स्टेचुटरी ऑडिटर. यानी कि ऑडिट नहीं होगी, केवल सर्टिफाइड होगी स्टेचुटरी ऑडिटर ऑफ द इंडियन एंटिटी के द्वारा या किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा. ठीक है जी, और आगे बढ़ते हैं. फिर अगर मान लीजिए एक से ज्यादा पीआरआई इन्वेस्ट करके बैठे हैं ओडीआई के रूप में इन अ फॉरेन एंटिटी, तो फिर एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट कौन सबमिट करेगा, वो पीआरआई जिसने हाईएस्ट ओडीआई इन्वेस्टमेंट कर रखी है. सबने इक्वल की हुई है तो सारे मिलकर सबमिट करेंगे. एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट की रिपोर्टिंग की बात कर रहा हूं. नेक्स्ट फिर कहता है जी पीआरआई shall report the detail regarding the acquisition or setting up or winding up or transfer of a step down subsidiary or alteration in the shareholding pattern in the foreign entity. जो भी आपकी alteration in the shareholding हुई है foreign entity के अंदर, या फिर जो भी आपने नया acquire किया है, बेचा है कुछ भी foreign entity के अंदर, तो उसकी एक ये सब कुछ कहां पर आएगा, annual performance report का part बनेगा. जो भी आपकी होल्डिंग्स वगैरह में चेंज हुआ है ना, वो सारा एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट के कंटेंट में आएगा. उसके अलावा कोई भी इंडियन एंटिटी जिसने ओडीआई की है शैल सबमिट एन एनुअल रिटर्न. एनुअल रिटर्न ओडीआई करने वाली हर इंडियन एंटिटी को एक एनुअल रिटर्न सबमिट करनी पड़ेगी. कहां पर, जो भी उसकी फॉरेन लायबिलिटी या एसेट्स हैं
किसको सबमिट करनी पड़ेगी, एमसीक्यू के लिए रेलेवेंट है, ईसीबी में भी इसी को सबमिट की गई थी, डिपार्टमेंट ऑफ स्टैट्स एंड इन्फॉर्मेशन को, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक ब्रांच है, मतलब एक ऑफिस है एक तरीके का, तो उसको सारा कुछ सबमिट किया जाएगा। एनुअल रिटर्न ऑन द फॉरेन लायबिलिटी एंड एसेट्स, ध्यान रखना एपीआर अलग है, एनुअल रिटर्न अलग है। एपीआर 31 दिसंबर, अगर 31 दिसंबर को फॉरेन एंटिटी का ईयर एंड होता है तो अगले साल की 31 दिसंबर, ठीक है। एपीआर किसके द्वारा सबमिट करने की जरूरत नहीं है, एपीआर कब कब सबमिट करने की जरूरत नहीं है, तो मैंने कहा जी एपीआर पहले ऑडिटेड फिगर पे बेस्ड होगी, परंतु अगर पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया का कंट्रोल नहीं है, पहले तो ऑडिटेड की बात करते हैं, हाँ जी, अगर पर्सन, वैसे तो ऑडिटेड पे होनी चाहिए, मगर अगर पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया का कंट्रोल नहीं है, दूसरी बात अगर मान लीजिए लॉ ऑफ होस्ट कंट्री अनऑडिटेड फिगर्स अलाउ करता है, तो फिर आप कोई दिक्कत नहीं, ऑडिटेड नहीं आप सर्टिफाइड करवा लीजिए अपने स्टेचुटरी ऑडिटर के द्वारा, परंतु मान लीजिए आपका भी कोई ऑडिटर नहीं है, आप कोई फर्म वगैरह है, तो फिर सर्टिफाइड करवा दीजिए किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा, ठीक हो गई थी बात। दूसरी बात, एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, अगर आपके इन्वेस्टमेंट 10% से कम है विदाउट कंट्रोल है और इक्विटी के अलावा आपने और कोई इन्वेस्टमेंट वहां नहीं कर रखी, या फिर फॉरेन एंटिटी लिक्विडेशन में है, तो एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट देने की भी जरूरत नहीं है। फिर आता है एनुअल रिटर्न, एनुअल रिटर्न कब जमा कराई जाएगी, उसके अंदर आएगा क्या, एनुअल रिटर्न के अंदर फॉरेन लायबिलिटी या फॉरेन एसेट्स की डिटेल आएगी, कौन जमा कराएगा, इंडियन एंटिटी जिसने क्या किया है, ओडीआई किया है, जिसने ओडीआई कर रखा है, तो वो किसको सबमिट करेगी एनुअल रिटर्न, डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेटिस्टिक्स एंड इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट आरबीआई को सबमिट करेगी। फिर अगर मान लीजिए डिले इन सबमिटिंग हुआ, एपीआर या एआर डिले हुआ सबमिट करने में, हम 3 साल का समय देते हैं अलोंग विद द लेट फी, परंतु जब तक आप ये डिफॉल्ट सही नहीं करोगे तब तक आप फर्दर कोई फाइनेंशियल कमिटमेंट नहीं कर सकते। लो जी, तो ये थे आपके सारे का सारा ओडीआई। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।